ओके हेलो एवरीवन चलो फाइनली आई एम लाइव सबको सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है आई वाज नॉट एबल टू लाइव बिकॉज ऑफ इट सम इंटरनेट इशू पता नहीं क्या कनेक्ट नहीं हो रहा था वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था यस yes? ओके okay. चलो एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल टू एवरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग डियर किड्स सॉरी मेरा हाथ माइक पे लग गया चलो मैं फटाफट से टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ दैट आई एम लाइव यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किड्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो जल्दी जल्दी सब लोग वेटेज टाइप करो जल्दी जल्दी सब लोग वेटेज टाइप करो फटाफट से फटाफट इस चैप्टर का वेटेज कितना है विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों आपको टाइप करना है एकदम जल्दी जल्दी आई डोंट वॉन्ट एनी आलसी पना इतना सुबह सुबह आलसी पना बिल्कुल नहीं चाहिए यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किड्स आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग आज तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर खत्म करके खुश फिनिश कर देंगे यस yes? ओके okay, चलो डन एवरी वन आई एम ऑडिबल आई एम विजिबल मार्क्स का वेटेज चलो परफेक्ट परफेक्ट बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स का वेटेज ऑलरेडी टाइप कर दिया है यस वेरी गुड देखो ऑन एन एवरेज इस चैप्टर का वेटेज जो है विद ऑप्शन इट इज सेवन मार्क्स एंड विदाउट ऑप्शन इट इज फाइव मार्क्स ठीक है यस वेरी गुड थैंक यू सो मच ओके यस ओके सो लेट मी जस्ट राइटेड ओवर योर फॉर योर रेफरेंस हाँ ये चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड्स में इसका कितना वेटेज आता है इट इज अप्रोक्सीमेटली फाइव टू सेवन मार्क्स और सीई में इसका वेटेज कितना आता है अप्रॉक्सीमेटली सेवन मार्क्स और नीट के लिए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको फोर टू फाइव एम आते हैं कितने एम आते हैं फोर टू फाइव एम आते हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँगी वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगी कि बोर्ड्स के लिए कहाँ से एम आता है सीई में कहाँ से एम आता है और नीट में कहाँ एम सी आता है आर यू ऑलरेडी टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद मी चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम इसके पहले जस्ट वन लास्ट इन्फॉर्मेशन कि आपका कल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड का जो सर ने लाइव लेक्चर लिया था कल उन्होंने इसका पार्ट वन लिया था ठीक है आज आपका इसी चैप्टर का पार्ट टू वाला लेक्चर होने वाला है शाम को पाँच बजे कितने बजे शाम को पाँच बजे यस yes, एवरीबडी तो सब लोग शाम को पाँच बजे रेडी रहना आपका ये फिजिक्स का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बहुत बड़ा चैप्टर है इसीलिए सर को पार्ट वन और पार्ट टू करके लेना पड़ा है यस yes? वैष्णवी मुंडे बेटा मॉर्निंग में इसलिए ले रही हूँ मैं क्योंकि हमको फिजिक्स और बायो दोनों का टाइम मैनेज करके फिर लेना पड़ता है प्लस हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी हैं प्लस हमारे मेरा अलग से पी भी चल रहा है एस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो लेकिन मैं आप लोगों को कंटेंट देना चाहती हूँ आपका टॉपिक कवर करना चाहती हूँ समझो कोई बच्चा अगर लाइव नहीं आके अटेंड कर पाता तो कोई बात नहीं आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बट आपको कंटेंट मिलना चाहिए येस एवरीबडी चलो सो so मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट एंड टू डिलीवर इट ऑन टाइम ओके चलो सो ओकेट स्टार्ट विद टूडेज सेशन और एक चीज मैं फिर से याद दिला देती हूँ अपना चैप्टर नंबर वन टू थ्री बायो का चैप्टर नंबर वन टू थ्री खत्म हो चुका है फोर्थ वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका आज मैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व खत्म कर दूंगी और फ्राइडे को ये कमिंग फ्राइडे को मैं आपका बायो का चैप्टर नंबर फाइव लेने वाली हूँ कौन सा लेने वाली हूँ चैप्टर नंबर फाइव तो दो वीक्स हो गए अपने लाइव लेक्चर को चालू होकर दो वीक में टोटल अपना बायो का छह चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर फाइव का डिलीटेड वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक में मैं चैप्टर नंबर एट ले लूँगी चैप्टर नंबर नाइन ले लूंगी और एक डिलीटेड वाला चैप्टर ले लूँगी मे बी चैप्टर नंबर सिक्स ठीक है तो आपका सब हैवी वेटेज लो वेटेज डिलीटेड नॉन डिलीटेड सब टॉपिक कवर होते जाएगा यस एवरीबडी चलो ओके चलो लेट्स स्टार्ट तो ये देखो देखो बेटा वैष्णवी आपका मुझे फीडबैक अच्छा लगा लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं कब अवेलेबल हूँ और अजय सर कब अवेलेबल है ठीक है आपके पास ऑप्शन है आप लोग इवनिंग में लेक्चर देख सकते हो लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है हमको सब कुछ मैनेज करके फिर लेक्चर लेने पड़ता है हम चाहते हैं कि हम बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग लें लेकिन मैक्सिमम टाइम हम बच्चों के अकॉर्डिंग ही लेते हैं लेक्चर लेकिन कभी कभी हमारी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो लेक्चर कैंसिल करने से अच्छा है कि मैं लेक्चर मॉर्निंग में रखूँ है ना ठीक है चलो लेट स्टार्ट अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना मैं चैट बॉक्स बंद कर देती हूँ मैं बीच बीच में चैट बॉक्स खोलते रहूंगी किसी को अगर जेनुअन डाउट होगा तो वो अपने डाउट्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं जैसे मैं स्क्रॉल करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट है इसके अलावा आपको जो बकवास करनी है जो आपका रोमांस चलते रहता है चैट बॉक्स में आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चैट बॉक्स बंद करके पढ़ेंगे यस एवरीबडी लेट्स बायो टेक्नोलॉजी ओके अभी टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है टेक्नोलॉजी साइंस का एप्लीकेशन वाला फील्ड है यानी कि आप जो भी थियोरी में पढ़ते हो जब आप उसको अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ में तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं और यहाँ पर हम अपनी कौन सी थियोरी अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजी की थियोरी अप्लाई कर रहे हैं अपने रियल लाइफ में ताकि हम अपना लाइफ ह्यूमंस का लाइफ प्लांट्स का लाइफ यानी कि बेसिकली एन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को और बेटर बना सकें तो बायोटेक्नोलॉजी कौन से कौन से फील्ड में यूज़ होती है साइंस लैब्स लैब्स में हम इसके ऊपर काम करते हैं हम डी वगैरह बारकोट करते हैं बायो इंजीनियरिंग में बायो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है रिसर्च जब आप साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनते हो जब आप रिसर्च करते हो तो वहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी फील्ड आता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं सो so बेसिकली एक साइंटिस्ट जो है ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को अप्लाई करता है अभी आपको ऑलरेडी पता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप अपना थ्योरी यूज़ करते हो और उसके ऊपर उस थ्योरी से आपने जो पढ़ा वो नॉलेज जब आप अप्लाई करते हो तो उस अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसके बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन आपको दिए गए हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसका जो डेफिनेशन पूछा जा सकता है दैट इज डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं बट फिर भी डेफिनेशन अगर पूछा गया तो आप ये वाला डेफिनेशन दोगे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट वॉट इज़ बायो टेक्नोलॉजी इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स मतलब हमने जो साइंस में पढ़ा हमने जो स्ट्रक्चरल थियोरी uh, पढ़ी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे डिजाइन करते हैं कोई भी टेक्निक कैसे डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ योर साइंटिफिक नॉलेज एंड योर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब आप अपना जितना भी ज्ञान है जितना भी नॉलेज है चाहे टेक्निकल नॉलेज हो चाहे थियोरिटिकल नॉलेज हो इस नॉलेज को जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ करते हो व्हेन यू यूज़ बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके लिए टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू ह्यूमन वेलफेयर उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी इंसान के लिए हमारी ह्यूमन लाइफ को और बेटर बनाने के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करते हैं जैसे याकुट याकूट हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोबायोटिक्स के जैसे मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारा डाइजेशन अच्छा करते हैं तो ये एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम यूज़ करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में उस उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी ओके ऑल राइट अभी बायोटेक्नोलॉजी ना आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आपको पता भी नहीं हो और आप कब से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये हम सबको पता है मतलब मैंने अपने डिटेल लेक्चर में भी बोला है कि पहले के टाइम पे दही बनता था मक्खन बनता था ये सब कैसे बनता था अगेन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बट इसका प्रोसेस का नाम क्या था पहले फर्मेंटेशन इन प्रोसेसेस के नाम क्या थे फर्मेंटेशन तो इनिशियली हमको पता नहीं था और हम बायोटेक्नोलॉजी फॉलो करते थे देखो जलेबी ढोकला इडली डोसा मक्खन दही ये सब तो हम सदियों से खाते हुए आ रहे हैं है ना हमको पता भी नहीं है कब से ये फूड्स ओरिजिनेट हुए हैं और कब से हम इसको खा रहे हैं दीज आर ऑल ओवर इंडिजीनियस डिशेस लेकिन ये बनते कैसे हैं ये बनते हैं फर्मेंटेशन की मदद से और फर्मेंटेशन क्या है ये एक्चुअली एक टाइप का ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है खबर ही नहीं है और हम इसको यूज़ करे जा रहे हैं यस yes, एवरीबडी तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जब आप विनेगर बनाते हो यानी सिरका बनाते हो तो वो सिरके में भी आप अपने जो मतलब फ्रू ये फ्रूट जूसेस होते हैं हो, उसको सड़ा के आप यूज़ करते हो फर्मेंट करके यूज़ करते हो ठंडी में खाते हैं लोग या गर्मी में भी खाते हैं बहुत सारे लोग देन यू यूज़ चीज़ देन यू यूज़ योर अल्कोहल फॉर्मेशन फिर आप उस ब्रेड वगैरह बनाते हो तो वॉट आर ऑल दीज दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी अब इधर पे अगर मैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसे मतलब ब्रेड दारू ढोकला इडली नहीं बनाते बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम पोमेटो प्लांट बनाते हैं क्या बनाते हैं हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में पोमेटो प्लांट अभी ये पोमेटो क्या होता है मैम मतलब आपने एक ऐसा प्लांट ग्रो किया है जिसमें आपको स्टेम पे स्टेम uh, के ऊपर टोमेटो दिखाई दे रहा है टोमेटो ग्रो होके मिल रहा है और रूट्स में आपको पोटैटो मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं पोटैटो सो पोटैटो प्लस टोमेटो गिव्स यू पोमेटो तो अभी ये कुछ हटके है इधर पे हम दो ऑर्गेनिजम्स को मिक्स करके एक प्लांट बना रहे हैं ऐसा क्यों किया मैम हमने हमारे अंदर इतनी चर्बी भरी हुई थी क्या नहीं ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है डिमांड इतनी ज़्यादा है और लैंड रिसोर्सेस इतने कम हैं कि सबके भूख मिटाने के लिए हमको ऐसा ही कुछ टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा मतलब मैं अलग से टमाटर उगाऊँ अलग से आलू उगाऊँ इससे अच्छा है मैं एक ही जगह पर आलू टमाटर दोनों उगाऊँ अगर वैसा सीड मुझे मिल जाए तो ऐसा सीड बनाना इसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन प्रोसेस आता है बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है कौन सी टेक्नोलॉजी आती है आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जहां पर आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए मिक्स करके कुछ कुछ नया बनाने का ट्राई करते हो क्रिश थ्री मूवी में यही बताया गया है ना वो ह्यूमन का और एनिमल्स का डीएनए मिक्स करके कुछ तो नया एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है जैसे छिपकली और इंसान का डीएनए मिक्स कर दिया तो लड़की दीवार पे चढ़ने लगेगी और वो गिरगिट और आदमी का डीएनए मिक्स कर दिया तो वो आदमी गिरगिट जैसे उछलेगा उसकी जबान उतनी लंबी हो जाएगी तो मतलब दैट वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन बट एक्चुअली वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है तो अब इधर से क्वेश्चन क्या आएगा मैम काम की बात बताओ तो इधर से क्वेश्चन क्या आत, आ सकता है आपको कि ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है विच इज रिकॉम्यून डी एन ए टेक्नोलॉजी ये हमको किसने दी इट वॉज डेवलप्ड बाय स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री दिस इज ये फर्स्ट एम सी क्यू जो आपको सी ई टी में पूछा जा सकता है किसने दिया हमको आर डी एन ए टेक्नोलॉजी स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन नाइनटीन सेवनटी थ्री ठीक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बीच में क्या है देखो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत हाई हाईफाई टेक्निक्स यूज़ करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जब भी हम कोई नया टेक्निक डिज़ाइन करते हैं तो उसका क्रेडिट हम खुद लेते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में ए मैंने इडली बनाया मैंने ढोकला बनाया तो ये मेरा मेरा मेथड हो गया ऐसा नहीं होता ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में ओनरशिप या पेटेंटिंग नहीं है बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में पेटेंट्स बनाए जाते हैं ओनरशिप ली जाती है कि ये मेरा बनाया हुआ मेथड है ये मैंने दवा बनाई है ये टेक्नोलॉजी मैंने डिज़ाइन की है क्योंकि उसके लिए हम उतना हाई फाई मशीन्स यूज़ करते हैं सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी येस एवरीबडी और अभी के टाइम पे तो ये बायो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए हमको कौन सी कौन सी चीज़ें आनी चाहिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग आई रिपीट कौन से दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता है जब आप दो अलग अलग जीन्स को मैनिपुलेट करके रोहित बेटा आपको रट्टा नहीं होता तो चैट बॉक्स में टाइप कर करने की बजाय जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो और मेरे वीडियोस को तीन से चार बार सुनो और टेक्स्ट बुक को रीड करो तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो भी रीड करोगे उस क्वेश्चन को अपने ओन वर्ड्स में लिखने की ट्राई करो इधर पे आके चैट बॉक्स में स्पैम करोगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं ठीक है नहीं स्टेट बोर्ड का कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह अभी तक नहीं आया है तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एक है केमिकल इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं देखो इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग मतलब किसी चीज़ को तोड़ के उससे कुछ नया बनाना यानी कि मेकिंग समथिंग इंजीनियरिंग में बेसिकली हम अपने टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं कुछ बिल्डअप करने के लिए इसमें हम अपने टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं टू बिल्ड समथिंग तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ मिक्स करते हैं तो हमको जो इन दोनों के बीच का मिक्सचर मिलता है वो कैसा होता है वो हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें हमको दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं तो दिस इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग बट ये बिना केमिकल के काम कर सकता है क्या नहीं ये देखो एक मॉन्स्टर के जैसे लग रहा है ये बिना केमिकल के काम नहीं कर सकता इसके लिए हमको बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है तो इधर पे केमिकल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होता है वॉट इज़ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट वेन यू कम्बाइंड टू डिफरेंट जीन्स हम दो जीन्स को क्यों मिक्स करें हमारे पास और कुछ काम धंधा नहीं है क्या है हमारे पास बहुत सारा काम धंधा तो हम दो अलग अलग जीन्स को क्यों मिक्स करें क्योंकि कभी कभी डिफेक्टिव जीन्स आ जाते हैं एक्सप्रेस हो जाते हैं उसकी वजह से हमारा नॉर्मल फंक्शन नहीं दिखाई देगा तो ये डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने के लिए या नया जीन बनाने के लिए या किसी एक जीन को एक लोकेशन से उठा के उसको न्यू लोकेशन में डालने के लिए या एक पूरा का पूरा नया जीन ह्यूम्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ इंप्रूव करने के लिए ऐसे अलग अलग रीज़न है हमको क्यों रिकॉमेंडेंड डी टेक्नोलॉजी करना है ठीक है अभी रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जिसमें से सबसे पहले हमको क्या चाहिए ये yes, सबसे पहले हमको क्या चाहिए टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर जीन क्लोनिंग यानी आर डी टेक्नोलॉजी सबसे पहले वी नीड डिफरेंट डिफरेंट डिवाइजेस अभी देखो आप कौन सा मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मशीन यूज़ करोगे क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का साइज़ अलग अलग होता है अभी जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ आप गेहूं जिससे चालते हो वो छलनी आती है ना ऐसे गोल गोल कलर की गोल गोल शेप की छलनी रहती है जिसके ऊपर बड़े बड़े होल्स रहते हैं तो इसमें से आप गेहूं साफ़ करते हो ताकि जो भी पत्थर है वो ऊपर रह जाए सिर्फ गेहूं गेहूं नीचे जाए करेक्ट अगर मैं गेहूं की छलनी से चाय पत्ती को छानूंगी तो क्या मेरा पर्पज़ फुलफिल होगा नहीं क्योंकि सारी की सारी चाय पत्ती तो नीचे चाय में चली जाएगी बराबर अगर मैं चाय पत्ती के छन्नी से गेहूं को छानूँ तो मेरा पर्पज़ फुलफ़िल होगा नहीं क्योंकि चाय पत्ती की छन्नी के होल्स बहुत छोटे होते हैं उसमें से सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल पास हो सकता है और ये गेहूँ की छन्नी का होल बहुत बड़ा होता है इसमें से चाय पत्ती भी नीचे चली जाएगी मेरे बोलने का मतलब क्या है हर एक मॉलिक्यूल का साइज अलग होता है हर एक मॉलिक्यूल का साइज़ अलग होता है तो मॉलिक्यूल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे तो वैसे ही हमारे पास डीएनए एन ए हमारे पास आरएनए एन ए हमारे पास प्रोटीन्स है अब इन सब की प्रॉपर्टीज इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है इनका साइज़ अलग है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है तो इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे ओके okay, इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस प्रेजेंट हैं जिसमें से हम जो डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज करते हैं बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा देखो द टेक्निक्स विच इज़ यूज इट इट इज़ बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वेट तो कौन से कौन से टेक्निक यूज करते हैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ मैं जेल परमियशन ऑस्मोटिक प्रेशर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ये टेक्निक्स सारे के सारे आपको फर्स्ट ईयर में भी नहीं आपको सीधा ग्रेजुएशन में ये टेक्निक्स पढ़ाए जाएंगे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जेल परमियशन मतलब एक जेल यूज़ करेंगे उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म को डालेंगे और उसके बेसिस पे जेल में से ऑर्गेनिज्म को हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि उसके अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वगैरह क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा खाना नहीं देंगे ताकि जिधर ज़्यादा खाना है वो उस तरफ मूव हो जाए ताकि हमको उसका डीएनए सेपरेट करके मिले तो ये सारे टेक्निक्स अलग अलग है जिसका आपको को, अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है नीट में भी इसका एप्लीकेशन नहीं है जो टेक्निक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इसके ऊपर आपको बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है सीई में भी क्वेश्चन आता है और नीट में भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रो Electro मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और फोरेसिस मतलब सेपरेशन फोरेसिस मतलब क्या होता है सेपरेशन तो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं ये यह देखो यहाँ पे मैंने कैथोड एनोड कनेक्ट करके रखा है ठीक है ओके okay, देखो यहाँ पे मैंने एनोड कनेक्ट किया है यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने अपना डीएनए सैंपल लोड किया है अब मुझे पता है कि मेरा जो डीएनए सैंपल है ये डीएनए सैंपल का चार्ज क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है वाई डी इज़ नेगेटिव क्योंकि डी के पास क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है एच माइनस ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास जिसकी वजह से डी एन हैज़ नेगेटिव चार्ज करेक्ट तो अब मेरा ये जो नेगेटिव डी है ये नेगेटिव डीएनए जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करूंगी तो ये डीएनए किस तरफ मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा इससे आपने जो डीएनए सैंपल सैम्पल डाला है उस डीएनए सैंपल सैम्पल के अंदर जो सबसे छोटा डीएनए होगा वो डीएनए सबसे आगे भागेगा और फिर वो डीएनए सैंपल हम अलग से निकाल के आइसोलेट करके उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है देखो आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ एक ह्यूमन का डीएनए एक ह्यूमन सेल में एक ह्यूमन के सेल में कितना बड़ा डीएनए होता है टू पॉइंट टू मीटर मीटर मतलब समझता है आपको दो मीटर यानी कि एक ब्लाउज पीस एक मीटर का होता है ऐसे दो ब्लाउज पीस आ जाएंगे उससे भी बड़ा आपका एक डीएनए होता है एक सेल के अंदर सेल की साइज कितनी होती है इतना छोटा अपना सेल होता है ये सेल के अंदर आपका इतना बड़ा डीएनए है अब मैं इतने बड़े डीएनए को सेपरेट नहीं कर सकती तो मैं क्या करूंगी मुझे इस पूरे डीएनए की स्टडी करनी है तो मैं इसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी फिर मैं इसकी स्टडी करूंगी 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 तो इसके लिए मुझे डीएनए को पहले कट करना पड़ेगा तो डीएनए को कट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो एंजाइम कौन सी होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंजाइम के बारे में चैप्टर नंबर फोर में हमने सुना था इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इधर तक सबको समझ में आ रहा है यस एवरीबडी सो हमारे पास इतना बड़ा डीएनए है मैं पूरे डीएनए को एक साथ स्टडी नहीं कर सकती इसीलिए पहले मैं उस डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट करूंगी और उसको सेपरेट करूंगी तो कट करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया और सेपरेट करने के लिए हमने कौन सा टेक्निक यूज़ किया इलेक्ट्रोफोरेसिस ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली अपना अगार जेल है क्या है इधर पे अगार जेल अगार जेल यानी जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें आप अपना डी एन ए सैम्पल लिक्विड फॉर्म में इधर खड्डा बनाते हो और इसमें अपना डी एन ए सैम्पल को लोड करते हो जब आप डी एन ए सैम्पल को लोड करते हो और इधर से अपना पावर का बटन दबा देते हो स्विच ऑन कर देते हो तो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये जेल कैसा होता है सेमी लिक्विड होता है यानी कि थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड तो वाटर प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है जिसके वजह से आपका जो नेगेटिव डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा हमको ऐसे अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे और फिर हम इन बैंड्स का सिंगल सिंगल स्टडी करेंगे देखो मैंने इतने बड़े डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया था ना तो अब मैं पहले इस पार्ट का स्टडी करूंगी फिर इस वाले पार्ट का फिर इस वाले पार्ट का जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट रहेगा वो सबसे आगे भागेगा और जो सबसे हेवी वाला फ्रेगमेंट रहेगा वो पीछे रह जाएगा तो दिस इज द टेक्निक नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस चलो सब लोग फटाफट बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया ये yes, एवरीबडी देखो मुझे पता है ये चैप्टर कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है इसीलिए मैं जितना हो सके उतना सिंपल बत करने की कोशिश कर रही हूँ इधर तक सबको समझा सब लोग मुझे थम्सअप दे दो फटाफट से यस yes? ओके okay. तो अभी देखो हमने ये डीएनए एन सेपरेट किया ठीक है बट ये डीएनए सैंपल सेपरेट करके मुझे ये सैंपल का सिर्फ एक ही कॉपी मिला मेरे पास इस सैंपल का कितना कॉपी है एक ही कॉपी है अब मुझे इस एक सिंगल कॉपी का मुझे इस एक सिंगल डीएनए सैंपल के ऊपर हंड्रेड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं हंड्रेड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अगर मेरा एक बार में ये रिज़ल्ट नहीं आया तो मेरा तो ये जो कॉपी है ये वेस्ट हो जाएगा फिर मैं स्टार्टिंग से वापस से डीएनए निकालूं फिर वापस से और uh, सारे फ्रेगमेंट्स को कट करूँ फिर वापस से सबको सेपरेट करूँ ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतना रिसोर्सेज नहीं है इतना केमिकल्स नहीं है अपने पास राइट तो ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसे में वॉट इज़ दी ऑप्शन फॉर आस तो ऐसे में हम क्या करते हैं आप बताओ आप क्या करोगे समझो मैंने आपको आप आप किचन में गए हो और मम्मी ने आपको बोला है कि आज आपको सब्जी बनानी है या आज आपको चाय बनानी है और आपको उन्होंने सिर्फ एक चम्मच चाय दी है ओनली वन स्पून चाय पत्ती ओनली वन स्पून टी एक ही चम्मच चाय पत्ती दी है अभी आपने जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में चाय अच्छा बनेगा ऐसा जरूरी है क्या नहीं करेक्ट तो अभी आप सेकेंड अटेम्प्ट बनाने जाओगे तो उसके लिए आपके पास चाय पत्ती होनी चाहिए ना या थर्ड अटेम्प्ट करोगे तो चाय पत्ती खत्म हो जाएगी तो आपके पास सैंपल होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहो अगर सैंपल ही खत्म हो जाएगा तो अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगी मैं इस एक सिंगल कॉपी को एम्प्लीफाई करूंगी एम्पलीफाई करना मतलब क्या होता है इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज बनाना यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन करना एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना इज दिस क्लियर एवरीबडी इज दिस क्लियर एवरीबडी यस ओके सो एम्प्लीफिकेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिम्पल तो अभी इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करूँ वो एड आता था ना बचपन में आप देखते थे एक बच्चा है उसने कच्चा मैंगो जेरोक्स मशीन के ऊपर रखा तो जेरोक्स मशीन से उसको कच्ची कैरी की टॉफ़ी मिलती थी ऐसा अपन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हमको कोई एक शोर शोर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी तो जीन एम्प्लीफिकेशन करने के लिए वेरी गुड हम कौन सा मशीन यूज करते हैं अरे ऐसा भी मारूँगे ना एक उल्टे हाथ का सारंग मैंने बताया ना एम्पलीफाई मतलब मल्टीप्लीकेशन करना कान खोल के सुनो ना जरा क्या ईयरफोन कान से निकाल के फेंक के फिर इधर पे चैट टाइप कर रहे हो क्या इधर पे इतना सिंपल वर्ड में लिखा है एम्पलीफिकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन सुबह सुबह दिमाग खराब करके नशा करके आ जाते हैं बच्चे क्या तो देखे ही के बता रही हूँ ना मल्टीप्लीकेशन चार बार बोला मैंने एम्पलीफिकेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन मतलब कॉपी बनाना तो भी टाइप किए जा रहे हो हाँ ओके तो so, कौन सा कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं तो व्हाट इज दिस पीसीआर टेक्निक इट इज़ बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि एक साथ हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं एक साथ हम क्या करते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़े इससे अच्छा मैं इस लड़के को ही टाइम आउट कर देती हूँ ओके तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पीसीआर रिएक्शन करते हैं यानी कि हम एक ही जीन के मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की कोशिश करते हैं अब इधर से आपको क्वेश्चन क्या आएगा वेरी इंपॉर्टेंट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन चाहिए तो ये जो पी टेक्निक है ये हमको कौन से साइंटिस्ट ने दी कैरी म्यूलिस ने ही गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टेक्निक कॉल्ड एज पी सी आर टेक्निक कैरी म्यूलिस नाइनटीन एटी फाइव आपको नाम और ईयर दोनों याद करना है आई रिपीट आपको नाम और योर दोनों याद करना है तो कैरी म्यूलिस ने 1985 में हमको पीसीआर डिज़ाइन के बारे में बताया पीसीआर टेक्निक के बारे में बताया और इस टेक्निक में हम जो मशीन यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम क्या है थर्मल साइकिलर तो आपको सी में दो क्वेश्चन आता है सबसे पहला क्वेश्चन पी टेक्निक किसने दिया और दूसरा क्वेश्चन पी टेक्निक में जो मशीन हम यूज़ करते हैं उस मशीन का नाम क्या है थर्मल साइकलर उस मशीन का नाम क्या है थर्मल साइक्लर इज दिस क्लियर एवरीबडी चलो परफेक्ट आगे बढ़ते हैं अभी पीसीआर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ठीक है नाउ दिस इज आल्सो टू मार्क्स क्वेश्चन आपको ये टू मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है क्या क्या चाहिए पीसीआर करने के लिए पीसीआर बेसिकली हम लैब में कैरी आउट करते हैं आप ऐसे रस्ते में चलते चलते पी कैरी आउट कर सकते हो क्या नहीं ऐसे छोटा सा एकदम ऐसे छोटा सा बॉक्स जैसा आपका छोटा सा मोबाइल का कवर आता है ना मोबाइल का बॉक्स आता है उतना छोटा आपका मशीन रहता है पी का मशीन मतलब ये पेन टैप के साइज़ का ऐसे इस इतना उसका लेंथ और तो विथ रहता है और इतना बड़ा रहता है वो बस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ऐसे छोटे से बुक के पार्सल के जैसा होता है ठीक है तो बेसिकली पी टेक्निक लैब में किया जाता है क्लीन एनवायरमेंट में इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे सबसे पहले आपको जो सैंपल कॉपी बनाना है जिसका कॉपी करना है जिसको एम्पलीफाई करना है आप वो सैंपल लोगे ठीक है यस हाँ आप क्या करोगे वो सैंपल लोगे सो so, डी लेंगे अभी हमको ये डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है कॉपी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए आपको पता है डीएनए किससे बनता है डीएनए इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है न्यूक्लियोटाइड्स है डी एन टी पीज़ यानी एडीनाइन गुआनाइन साइटोसिन साइड्रोसिन ये सब आपको लगेगा सो यू विल टेक डी एन टी पीज़ दैन यू विल टेक प्राइमर मोलिक्यूल्स क्योंकि आप कॉपी बना रहे हो ना कॉपी बनाने के लिए आपको डी एन ए स्टैंड को सेपरेट करना पड़ेगा फिर इधर प्राइमर लगेगा तो ये लीडिंग स्टैंड और ये आपको लेगिंग स्टैंड देगा तो यू विल नीड प्राइमर्स यू विल नीड एनजाइम बिना एनजाइम के कोई रिएक्शन कम्प्लीट हो ही नहीं सकता और पी सी आर रिएक्शन ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो इसमें ना बहुत हाई टेम्परेचर भी होता है लो टेम्परेचर भी होता है तो हाई टेम्परेचर झेलने के लिए हमारे पास ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो हीट स्टेबल रहे और वो कौन सा एंजाइम है टैक पॉलीमरेज ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारा हीट स्टेबल रहता है सी इट इज दिस एंजाइम टैक पॉलीमरेज ये याद रखो आपको ये क्वेश्चन नीट में आता है विच एंजाइम इज़ यूज हाँ इसीलिए दिस टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज़ यूज

ए और क्यू से आता है एक्वेटिकस ये आपको एकदम सी फ्लोर से मिलता है ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया में से हम ये एंजाइम निकालते हैं टैग पॉलीमरेज जो हम पीसीआर रिएक्शन में यूज करते हैं मतलब ये 200 300 डिग्री सेल्सियस तक का हीट झेल सकता है इतना हाई टेम्परेचर ये सर्वाइव कर सकता है तो दिस एंजाइम इज वेरी स्पेशल इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है सीई टी नीड बोर्ड्स तीनों में एंड लास्ट में वी नीड मैग्नेशियम आय टू स्टेबलाइज दी एनजाइम येस इज दिस क्लियर चलो अब देखते हैं पी सी आर रिएक्शन होता है कैसे तो हमको क्या क्या रही पी सी रिएक्शन करने के लिए सैंपल चाहिए उसमें सैंपल में से हमने डीएनए निकाला उस डीएनए के हमने अलग अलग टारगेट कॉपीज कट किए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से और फिर हमने उसको अलग अलग उस पर्टिकुलर डीएनए का हमने कॉपीज बनाया देखो आपके पास इतना बड़ा डी है अब इतने बड़े डी में आपको समझो पूरे डी का स्टडी नहीं करना है आपको सिर्फ इतना पार्ट स्टडी करना है कि ये डी का ये वाला पार्ट कौन सा प्रोटीन बनाता है तो मैं ये एक पार्ट कट करके लूंगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से और फिर मैं इस सिंगल डीएनए सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज़ बनाऊँगी तो ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हम पीसीआर रिएक्शन यूज़ करते हैं देखो आपको कैसे आप भी आप पूछोगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन से पार्ट की स्टडी करनी है तो हम पहले होल डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसमें से हमको ये जो अलग अलग सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स मिलती है ये सिंगल सिंगल स्टैंड का हम फंक्शन स्टडी करते हैं ये कौन सा प्रोटीन बनाता है ये कौन सा प्रोटीन बनाता है ये कौन सा प्रोटीन बनाता है समझो ये वाला जो डी सेगमेंट है ये इंसुलिन प्रोटीन बना रहा है तो अब मुझे सिर्फ इसी डी का स्टडी करना है लेकिन मेरे पास ये डी का सिर्फ एक कॉपी है तो मैं इस टारगेट डीएनए को इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों टारगेट डीएनए तो मैं इस टारगेट डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाऊंगी और मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम कौन सा मशीन यूज करेंगे पीसीआर मशीन ये देखो एक सिंगल टारगेट डीएनए का कॉपी बनाने के लिए वी पुट इट इन पीसीआर मशीन और उससे हमको मल्टीपल कॉपीज मिल जाती है अब ये प्रोसेस होता है कैसे इट इज़ अ थ्री स्टेप प्रोसेस सब लोग ध्यान से देखो पी रिएक्शन इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस सबसे पहला है डी दूसरा है एनीलिंग तीसरा है एक्सटेंशन डी में क्या होता है हम अपने डी एन को हीट करते हैं स्टार्टिंग में ये डीएनए कैसा था ऐसा हमने इसको हीट किया तो इसके बीच बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया ओपन हो गया इसको बोलते हैं डीन एचुरेशन प्रोसेस डी नेचुरेशन प्रोसेस बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है आपको क्यों? ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है सीई में भी आता है नीट में भी आता है क्या तीनों एग्जाम में क्या पूछा जाता है डी नेचुरेशन का टेम्परेचर अनिलिंग का टेम्परेचर और एक्सटेंशन का टेम्परेचर ये तीनों का टेम्परेचर आपको लर्न करना है रट्टा मार के जाने का है रट्टा मार के जाओ जो करने का है करो लेकिन ये तीनों का टेम्परेचर आपको याद रहना चाहिए तो हम बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हम इसको सेपरेट करते हैं हीट करते हैं ताकि बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए और हमको दो सिंगल स्टैंड मिले हीट करने के बाद हम इसको थोड़ा कूल cool होने देते हैं ठीक है थीके? हम क्या होने देते हैं इसको थोड़ा सा कूल cool होने देते हैं जब तक ये कूल cool हो रहा है मतलब नाइन्टी फाइव से हम टेम्परेचर फिफ्टी फाइव पर लेके आते हैं ओके जब तक ये कूल cool हो रहा है तब तक हमारे इस मीडियम में हमने क्या क्या मिक्स करके रखा है टैक पॉलीमरेज एंजाइम है अपने पास अपने पास आर एन ए प्राइमर्स है या हाँ आर एन ए प्राइमर्स अपने पास फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है ए जी सी टी हम ये सब ये सब हमने पहले से ऐड करके रखा है तो जब आपका डीएनए कूल cool होता है उस टाइम पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं आपका आर एन ए प्राइमर जो है वो आपके स्पेसिफिक थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम के डायरेक्शन में जाके जुड़ जाएगा किधर जुड़ जाएगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम के डायरेक्शन में जाके जुड़ जाएगा क्योंकि आर एन ए प्राइमर का डायरेक्शन क्या होता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम येस एवरीबडी ओके सो ये आपका आर एन ए प्राइमर जुड़ गया आर एन ए प्राइमर सबसे पहले सिग्नल किसको देगा टैग पॉलीमरेज को कि चलो आ जाओ तो ये किधर हुआ आपका आर एन ए प्राइमर आपका आर एन ए प्राइमर आपके डी के साथ कब जाके बाइंड होता है अनिलिंग वाले स्टेज में कब बाइंड होता है अनिलिंग देखो डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन यानी नेचुरल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना फिर अनिलिंग अनिलिंग यानी टेम्परेचर को कूल डाउन करके उधर पे प्राइमर अटैच करना और एक बार प्राइमर अटैच हो गया तो आपका ये जो टैक पॉलीमरेज है ये टैक पॉलीमरेज देखो आर प्राइमर के साथ अटैच हो गया है अब ये एक 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 डीएनटीपी लेके जिधर जिधर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनटीपी आएगा उधर उधर ये डीएनटीपी ऐड करते जाएगा क्या करते जाएगा डीएनटीपी को ऐड करते जाएगा और आपको मिल जाएगा आपके डीएनए का सेकंड कॉपी तो हमारे पास इधर पे आ गया टू कॉपीज ये देखो ये बन गया एक ये बन गया दो मैंने स्टार्टिंग में ओरिजिनल एक ही डी लिया था मेरे पास एक ही कॉपी थी बट इस एक कॉपी से मैंने दो कॉपी बनाई अब मैं फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगी पहला प्रोसेस डी मैं दोनों को सेपरेट करूंगी हीट करके दूसरा प्रोसेस अनिलिंग मतलब मैं इधर आर प्राइमर्स ऐड करूंगी और तीसरा प्रोसेस एक्सटेंशन एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे आपका ये वाला स्टैंड एक्सटेंड होगा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये वाला तो अब आपको मिल जाएंगे आपके डीएनए के चार कॉपी वन टू थ्री फोर यस अब मैं इसको फिर से डी नेचुरेशन फिर से डीएनए स्टैंड सेपरेट होगा फिर से आपको कॉपी बनेगी ऐसा आप कंटिन्यू प्रोसेस चालू रखोगे ऐसा आप कंटिन्यू प्रोसेस चालू रखते हो इसको बोलते हैं पी रिएक्शन तो पीसीआर रिएक्शन के तीन स्टेप कौन से हैं पहला स्टेप है डीनेचुरेशन जिसका टेम्परेचर है नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एवरेज दूसरा टेम्परेचर है एनीलिंग स्टेप है एनीलिंग जिसमें हम आर प्राइमर अटैच करते हैं ये देखो और इसका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एवरेज और तीसरा स्टेप है आपका एक्सटेंशन एक्सटेंशन प्रोसेस में polymerase जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और इधर पे टेम्परेचर चेंज आपको मिलता है आपका नया डी एन ए और ये प्रोसेस होने के लिए कितना लगता है टू मिनट्स एक्सटेंशन होने के लिए कितना टाइम लगता है टू मिनट्स तो ऐसे करके ऐसे करके आप मल्टीपल साइकिल करते जाओगे देखो दिस इज साइकिल नंबर थ्री साइकिल नंबर थ्री के बाद भी आपको कितने सारे कॉपीज मिल रहे हैं ऐसे करते 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 आपको बहुत सारे कॉपीज मिल जाते हैं तो सेकेंड साइकिल कंटिन्यूस टू फॉर्म फोर कॉपीज और ऐसा साइकिल आपका आगे आगे बढ़ता ही जाएगा टू रेस टू एन यानी वो बढ़ता जाता है अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है मैम बोर्ड्स में सबसे पहले तो आपको ये पी का पूरा प्रोसेस बोलेंगे तो so, आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप इज डी उसका टेम्परेचर सेकेंड स्टेप इज अनिलीलिंग उसका टेम्परेचर थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन uh, ये जो थर्ड स्टेप है इसको रीनेचुरेशन भी बोलते हैं या एक्सटेंशन भी बोलते हैं और इसका टेम्परेचर कितना है अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस इसका फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इसका नाइन्टी टू डिग्री सेल्सियस ठीक है ओके तो ये तीन स्टेप पता होना चाहिए उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए कौन सा मशीन यूज़ किया हमने थर्मल साइक्लर मशीन यूज़ किया और एक साइकिल होने के लिए मतलब ये एक पूरा प्रोसेस होने के लिए डी नेचुरेशन अनिलिंग और रीनेचुरेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है थ्री टू फोर मिनट्स ऐसा अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे मशीन के अंदर ऑलरेडी सेटिंग होती है जिसमें हम सेट कर सकते हैं कि हमको ये साइकिल कितने बार रिपीट करने का है बीस बार तीस बार पच्चीस बार कितनी बार रिपीट करना तो वो साइकिल ऑटोमेटिक रिपीट होगा और आपको आपके सिंगल कॉपी के थाउजेंड कॉपीज़ मिल जाएंगे चलो सबको ये पीसीआर रिएक्शन समझ में आया जल्दी जल्दी बताओ मुझे यस अपेंड ऑफ ट्यूब में मिक्स किया अपेंड ऑफ ट्यूब छोटा वाला ट्यूब होता है सबको समझ में आया यहाँ पे हमने अपने टारगेट डीएनए के थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना लिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पीसीआर रिएक्शन यस ओके ऑलराइट नाउ कम्स बायोलॉजिकल टूल्स ये तो मशीन के अंदर हमने क्या क्या किया वो हमने पढ़ा अभी आता है बायोलॉजिकल टूल तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा इतना बड़ा डीएनए रहता है मुझे इस डीएनए का सिर्फ इतना पार्ट स्टडी करना है तो इतने से पार्ट को स्टडी करने के लिए मैं जो एंजाइम यूज़ कर रही हूँ उस एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं ये बाकी के एंजाइम से अलग है क्या येस yes. तो ये कौन सा एंजाइम है इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा ये कौन से कैटेगरी में आता है ये सारी चीज़ें अभी हम देखने जा रहे हैं यस yes? ओके okay, तो देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल टूल्स में एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं लाइसोजाइम न्यूक्लियज एक्सेट्रा न्यूक्लियस दो टाइप का होता है एक एक्जो न्यूक्लियस एक एंडो न्यूक्लियस और एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एक्जो न्यूक्लियस क्या करता है समझो तो ये आपका डी है तो ये आपके डी को साइड साइड से कट करेगा दिस इज एक्जो न्यूक्लियस यानी इट विल कट द डीएनए फ्रॉम एंड्स एंडो न्यूक्लियस क्या करता है ये डीएनए को बीच में कट करता है कॉर्नर में कट नहीं करता ये डीएनए को बीच में कहीं पे भी कट करता है दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंड वॉट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिकली सिर्फ बैक्टीरिया में फॉर्म होता है किस में फॉर्म होता है स्पेसिफिकली ओनली इन बैक्टीरिया अभी इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा लेट मी एक्सप्लेन दिस देखो आपका जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है ना बेटा समझो ये आपका सेल है ये आपका ई e. कोलाई का सेल है ईकोलाई इज अ बैक्टीरिया यू नो दैट ओके तो समझो ये अपने इकोलाई e. का खुद e. का डीएनए है लेट मी ड्रॉ इट ये इकोलाई का डीएनए है बैक्टीरिया का खुद का डीएनए एन अभी इसके ऊपर ना कहीं से वायरस अटैक हो रहा है यानी इसके ऊपर बैक्टेरियो अटैक कर रहा है और ये बैक्टेरियो अपना डीएनए इधर पे छोड़ रहा है सो दिस इज वायरस डी ये क्या है वायरस डी अब ये वायरस डी क्या करता है ये वायरस डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर अटैक करने जाएगा तो इसके पहले ही इसके पहले ही बैक्टेरिया ने क्या किया है ये जो इकोलाई e. बैक्टीरिया है इसने एक स्पेशल एंजाइम बनाया ये एंजाइम क्या करेगा ये एंजाइम जाके वायरस के डीएनए को खा जाएगा ये एंजाइम क्या करेगा ये एंजाइम जाके वायरस के डीएनए को खा जाएगा अभी इसको कैसे पता चलेगा मैम कि यही वायरस का डी है ये वायरस का डी नहीं है मतलब एंजाइम के पास आँखें थोड़ी होती है तो उसको कैसे पता चलेगा कि किसको खाना है किसको नहीं खाना है ठीक है तो उसके लिए हमारा बैक्टीरिया स्मार्ट है वो पहले खुद को सेव करके लेता है हमारा जो बैक्टीरिया है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्टिवेट करने से पहले अपने बाहर मिथाइल ग्रुप बना लेता है क्या बना लेता है मिथाइल का बुलेट प्रूफ जैकेट क्या बना लेता है वो मिथाइलेशन कर लेता है व्हाट इज मिथाइलेशन खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है बैक्टीरिया जो है जब उसके ऊपर वायरस का अटैक होता है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है पर यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाने से पहले बैक्टीरिया खुद के डीएनए के बाहर मिथाइल कवर बनाता है वो मिथाइल कवर की वजह से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए सेफ हो जाता है तो अब वायरस को पता चलता है कि अरे नहीं नहीं मुझे इधर नहीं जाना है क्योंकि इधर पे मिथाइल ग्रुप है तो बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो इधर नहीं जाएगा वो सिर्फ किधर जाएगा जहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है अभी इधर पे देर इज नो मिथाइल कवर तो आपका ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये इस वायरस के डीएनए को तोड़ तोड़ के चकना चूर कर देता है और ये उसको खा जाता है फैगोसाइटोसिस कर लेता है ये पूरे वायरस के डीएनए को एंगल्फ कर लेता है तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया वायरस के डी को रेस्ट्रिक्ट किया वायरस के डी को वायरस के डी को रेस्ट्रिक्ट किया रेस्ट्रिक्ट किया यानी कि उसको आगे बढ़ने से रोका इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या पड़ा जो एंजाइम दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को बढ़ने से रोकता है उस एंजाइम का नाम क्या पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस एंजाइम का नाम क्या पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज दिस क्लियर हम क्यों इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया में बनाया जाता है वो भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया सब बैक्टीरिया में नहीं मिलता रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज में बनता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के डीएनए को किल कर देता है और अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है इसीलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़ा ठीक है अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं कैसे मैम देखो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना हमारे डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है किधर पे कट करता है एक स्पेसिफिक साइट पे देखो आपको मैंने गोली चलाने बोला है आपके हाथ में मैंने गन दिया है और आपको मैंने बोला है बंदूक चलाओ तो आप इधर उधर अंधाधुन कहीं पे भी शूटिंग स्टार्ट कर दोगे क्या नहीं आपको जहाँ पे क्रिमिनल दिखेगा आप सिर्फ उसी के डायरेक्शन में शूट करोगे राइट अभी हमारा डीएनए इतना बड़ा है समझो यहाँ पे ए प्रोटीन है यहाँ पे बी प्रोटीन है यहाँ पे सी प्रोटीन बन रही है तो मुझे सिर्फ बी प्रोटीन वाला जीन चाहिए तो मैं ए प्रोटीन पे जाके अटैक करूंगी क्या मैं सी प्रोटीन पे जाके अटैक करूंगी क्या नहीं मुझे सिर्फ बी प्रोटीन वाला जीन चाहिए तो मैं सिर्फ उतना ही पार्ट कट करके कर लूंगी तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये स्पेसिफिक साइट पे कट करता है इस स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं रिकोग्निशन साइट इस स्पेसिफिक सीक्वेंस या स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं रेकोगेशन साइट इज दिस क्लियर एवरीबडी इज दिस क्लियर एवरीबडी जल्दी जल्दी बताओ इज दिस क्लियर एवरीबडी ठीक है तो आपको कौन से बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम मिला और वो कौन से सीक्वेंस के ऊपर अटैक करता है ये पूरा टेबल दिया गया है इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एक क्वेश्चन सीई और एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा एक क्वेश्चन सीई एक क्वेश्चन नीट में कंपलसरी आएगा क्या क्या दिया है मैं फटाक से बता देती हूँ ये ये आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका नाम क्या है आलू वन इस एंजाइम का नाम क्या है आलू वन इसका नाम आलू क्यों पड़ा मैं बताती हूँ हर एक का नाम एक स्पेसिफिक तरीके के हिसाब से लिया गया है पहला लेटर जो होता है ये ऑर्गेनिज्म का जीनस का पहला लेटर होता है ए फॉर आर्थ्रोबैक्टर और दो बाकी के जो दो लेटर्स होते हैं वो हमारे स्पीशीज़ के स्टार्टिंग के दो लेटर होते हैं तो ए फॉर आर्थ्रोबैक्टर एल यू फॉर ल्यूटियस ठीक है और इस बैक्टीरिया का जो सबसे पहला स्ट्रेन था स्ट्रेन मतलब टाइप स्ट्रेन मतलब क्या होता है टाइप जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम का चॉकलेट फ्लेवर तो समझो मैंने आइसक्रीम का सबसे पहले चॉकलेट फ्लेवर ट्राई किया तो दैट विल बी वन फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ट्राई किया सो दैट विल बी फ्लेवर नंबर टू फिर वनीला फ्लेवर ट्राई किया दैट विल बी फ्लेवर नंबर थ्री तो ये जो नंबर होता है ये स्ट्रेन का नंबर होता है किसका नंबर होता है स्ट्रेन का तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आलू वन यानी आर्थ्रोबैक्टर आर्थ्रोबाइक्टोल्यूटियस से बनाया गया फर्स्ट स्ट्रेन दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है बैम एच वन बी मतलब बैसिलस एम मतलब अमाइलो एच मतलब ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है और ये वन वन मतलब स्ट्रेन नंबर इको आर वन इको आर वन ई मतलब इश्चरीशिया को मतलब कोलाय आर से रॉड्रिक्स साइंटिस्ट का नाम है और ये वन ठीक है वन यानी कि स्ट्रेन नंबर वन फिर हिंड टू हिंड एच फॉर हीमोफिलस आई एंड फॉर इन्फ्लुएंजा और ये आर डी का डी लिया साइंटिस्ट का नाम और ये टू मतलब स्ट्रेन नंबर तो नाम कैसे आता है सबको समझ में आया यस एवरीबडी ओके आपको इसका फुल फॉर्म पूछते हैं आपको पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इको आर वन या व्हाट इज द सोर्स ऑफ बैम एच वन ऐसा पूछते हैं तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए अब दूस तीसरा बाट इसका रिकोगनीशन सीक्वेंस क्या है देखो आपके पास इतना बड़ा डी है अब इस डी में आपके पास जी टी सी जी ए सी ऐसा सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस के ऊपर कौन सा एंजाइम अटैक करेगा आप इनमें से कोई भी एंजाइम ले सकते हो क्या नो no, मैम हम इनमें से कोई भी एंजाइम नहीं ले सकते ये एंजाइम का सीक्वेंस अलग है ये एंजाइम का सीक्वेंस अलग है इसका सीक्वेंस अलग है इसका सीक्वेंस क्या है जी टी सी जी ए सी हिंड टू यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे हिंड टू तो हर एक ऑर्गेनिज्म का आपको सीक्वेंस भी याद रखना है हर एक ऑर्गेनिजम का आपको सीक्वेंस भी याद रखना है इज दिस क्लियर एवरी वन ओके तो एंजाइम का नाम उसका सोर्स उसका सीक्वेंस अब ये एंजाइम इस डीएनए में कहाँ से अटैक करेगा ये जो एंजाइम है ये इस रिकग्निशन सीक्वेंस पे कहाँ से अटैक करेगा ये सेंटर में अटैक करेगा या साइड साइड में अटैक करेगा समझो अगर मैंने केक को समझो ये जो मेरी बॉटल है इस बॉटल को अगर मैं बीच में से काटूँ तो मुझे दो इक्वल एंड्स मिलेंगे ओके okay? मुझे दो इक्वल एंड मिलेंगे तो जब मुझे ऐसे इक्वल एंड्स मिलते हैं ऐसे एंड को हम बोलते हैं ब्लंट एंड ऐसे एंड को हम क्या बोलते हैं ब्लंट एंड तो कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से मुझे ब्लंट एंड मिल रहा है आल्यू वन एंड हिंड टू क्योंकि ये हमारे डीएनए को सेंटर में से कट करते हैं ठीक है जिसकी वजह से मुझे दो इक्वल पार्ट मिलता है इसको बोलते हैं ब्लंट एंड ब्लंट यानी कि इक्वल पार्ट्स स्ट्रेट कट ब्लंट यानी कि स्ट्रेट कट ओके और अगर मैं बैम एच वन और इको आर वन यूज करूं तो मुझे कैसा कट मिलेगा मुझे जिक्जैक्ट कट मिलेगा यानी समझो कि ये मेरा डीएनए स्ट्रैंड है एक एंजाइम इधर से आया एक एंजाइम इधर से आया तो इसके वजह से मेरा जो डीएनए कट होगा मुझे कैसा मिलेगा इसके दो कॉपीज़ मिलेंगे फर्स्ट कॉपी विल बी लाइक दिस क्योंकि इधर से कट हो रहा है ये देखो यहाँ से मैंने डीएनए को कट कर दिया ना तो अब ये जो बचा हुआ स्ट्रैंड है ये नीचे आ गया तो बचा हुआ स्ट्रैंड विल बी लाइक दिस यहाँ पे ये बचा हुआ स्ट्रैंड और ये इधर वाला पार्ट यस yes? यस ये देखो ये जो बचाव वाला पार्ट था ये वाला जो पार्ट था ये मुझे इधर मिलेगा और ये वाला पार्ट जो था ये मुझे इधर मिलेगा और सेम ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये व्हाइट वाला मुझे इधर मिला और ये रेड वाला मुझे यहाँ पे मिला तो इसके वजह से मुझे कैसा कट देखने को मिला बेटा मुझे जिक्जैक्ट कट देखने को मिला यानि कि यानि कि यहाँ पे आपका ये पार्ट इनकम्प्लीट है यहाँ पे आपका ये पार्ट इनकम्प्लीट है ऐसे एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड ऐसे एंड को क्या बोलते हैं स्टिकी एंड मतलब अभी इधर पे ये डीएनए ओपन है और यहाँ पे आपका ये वाला डीएनए ओपन है क्योंकि इसके सामने कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है तो मुझे जो भी टारगेट डीएनए लाना रहेगा मैं उसका एक स्टैंड ला इधर रख दूंगी तो इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा और ये बन जाएगा एक कम्पलीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन ये क्या बन जाएगा एक कम्पलीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज दिस क्लियर एवरीबडी तो व्हाट इज स्टिकी एंड एंड व्हाट इज ब्लंट एंड सबको समझ में आया स्टिकी एंड यानी कि जो इन ऐसे जिक्जैक्ट कट देता है ये देखो ये आपका स्टिकी एंड है ये आपका स्टिकी एंड है और ब्लंट एंड जो हमको इक्वल कट देता है अब एग्जाम में क्या क्या आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल पूछते हैं ये कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया कौन से सीक्वेंस पे अटैक करता है और कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है आपको स्टिकी एंड किससे मिलता है एक को आर वन और बैम एच वन आपको ब्लंट एंड किससे मिलता है ये सारे के सारे तो ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है येस yes, एवरीबडी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको एक नीट और एक सी का एम आएगा एक नीट और एक सी का एम आएगा आपके पास कितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं तीन टाइप के टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री इसमें से हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टाइप टू क्योंकि टाइप वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट फंक्शन साइमल्टेनियसली ये एक ही एंजाइम दोनों काम कर रहा है जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती यू गेट लेस एक्यूरेसी टाइप थ्री रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है ये नॉन पेलिंड्रोम सिक्वेंस पर अटैक करता है बट टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये हमको मिथाइलेशन भी अलग से करता है क्लीवेज भी अलग से करता है मतलब ये वायरस पे भी अलग से अटैक कर रहा है और ये खुद को अलग से प्रोटेक्ट कर रहा है एक साथ नहीं कर रहा है प्लस ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे अटैक करता है ना व्हाट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस मैम देखो समझो मैंने मलयालम लिखा मलयालम तो आप इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो आपको स्पेलिंग सेम देखने को मिलेगी यानी ये लेटर्स एक दूसरे के मिरर इमेज है ये लेटर्स एक दूसरे के मिरर इमेज है तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस पैलिंड्रोम सीक्वेंस यानी कि मैंने ए जी जी सी लिखा और इधर पे मैंने ए जी जी सी लिखा तो आप इसको इस सीक्वेंस से पढ़ो या इस सीक्वेंस से पढ़ो लेटर्स सेम रहने वाले हैं आपके नाइट्रोजन बेसिस सेम रहने वाले हैं तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं पैलेंड्रोम सीक्वेंस और आपका टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये पेलेंड्रोम सीक्वेंस पे कट करता है इसीलिए टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ यूज मोस्ट वाइडली ये क्वेश्चन आएगा विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ यूज्ड क्या जरूरत है इधर ध्यान से देखना हमने क्या किया हमने मुझे ऑर्गेनिज्मीएनए चाहिए था मैंने ऑर्गेनिज्मीएनए लिया इसको कट किया इसमें से मैंने एक स्पेसिफिक अपना टारगेट सैंपल लिया मुझे ये वाला सेगमेंट चाहिए ठीक है अभी इस डीएनए को तो मैं क्या करूंगी मुझे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ मिक्स करना है तो मैं डायरेक्ट उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में अगर, अगर अपना डीएनए डाल दूंगी तो क्या गारंटी है कि वो ऑर्गेनिज्म मेरा डीएनए लेगा ही लेगा अगर मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में अपना डी एन तो वो सेल मेरे डी को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा इसकी कोई गारंटी है क्या नहीं है वो मेरे डी को रिजेक्ट भी कर सकता है तो इसके लिए ना हम बीच का एक वेक्टर मॉलिक्यूल लेते हैं वेक्टर मतलब क्या होता है वेक्टर मतलब क्या होता है वेक्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो हम अपना डीएनए इस वेक्टर के साथ मिक्स करके फिर इस वेक्टर को उस बैक्टीरिया में डालते हैं क्योंकि वैसे तो बैक्टीरिया मेरा डीएनए लेगा ही नहीं लेकिन अगर मैं उसको वेक्टर के साथ मिक्स कर दूं अगर मैं अपने डीएनए को वेक्टर के साथ मिक्स कर दूं तो बैक्टीरिया को पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मेरा डीएनए मिक्स है क्योंकि ये वेक्टर तो पहले से बैक्टीरिया में रहता है देखो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ समझो टेररिस्ट अटैक हो रहा है क्या हो रहा है टेररिस्ट अटैक हो रहा है टेररिस्ट दूसरी कंट्री से आए हैं किसी एक कंट्री पर अटैक करने के लिए अभी टेररिस्ट अगर डायरेक्ट आएंगे तो पकड़े जाएंगे तो टेररिस्ट डायरेक्ट नहीं आते वो लोग उस कंट्री में जहाँ पे उनको अटैक करना है समझो ये टेररिस्ट है और ये कंट्री में अटैक करना है तो ये टेररिस्ट इस कंट्री में डायरेक्ट नहीं आएंगे ये टेररिस्ट इस कंट्री के किसी इंसान को लेंगे बीच के वेक्टर को लेके जैसे किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लेंगे किसी एक्टर को पकड़ लेंगे और उसका बॉडी गार्ड बन के ये अपनी कंट्री में घुसेंगे और फिर अपनी कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे मतलब ये एक रैंडम एग्जाम्पल है ठीक है ये एक रैंडम एग्जाम्पल है क्योंकि कोई बॉडी गार्ड पर तो शक करेगा ही नहीं क्योंकि वो अपने कंट्री का बॉडी गार्ड है तो वैसे ही हमारा जो बैक्टीरिया है देखो हमारा जो बैक्टीरिया है ये अपना कंट्री है ठीक है इस बैक्टीरिया के अंदर जो वेक्टर होता है जो प्लास्मिड होता है ये अपना बॉडी गार्ड है ये बेसिकली ये बैक्टीरिया है ये प्लास्मिड है तो ये प्लास्मिड अपने कंट्री का वेक्टर है क्या है ये अपने कंट्री का वेक्टर है और ये मेरा टारगेट डीएनए है क्या है ये मेरा टारगेट डीएनए मुझे इस डीएनए को इस बैक्टीरिया में डालना है पर यह बैक्टीरिया मेरे डीएनए को अंदर नहीं ले रहा है तो मैं क्या करूंगी मैं ये प्लास्मिड बाहर निकालूंगी इस प्लास्मिड के साथ मैं अपना ये टारगेट डीएनए मिक्स कर दूंगी ठीक है और अब मैं इस प्लास्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डालूंगी तो अब मेरा प्लास्मिड कौन सा वाला अंदर जाएगा ये वाला ये जो मैंने मिक्स करके रीकंबाइन करके डाला है ये वाला प्लास्मिड मेरा अंदर जाएगा और जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा जब यह अपने मल्टीपल बच्चे बनाएगा तो उस टाइम पे मुझे मेरा वाला जो डीएनए मैंने डाला है उसकी मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे करेक्ट है लेकिन इसका भी चांसेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ठीक है क्योंकि अगर गलती से अपनी कंट्री को पता चला कि ये बॉडी असली नहीं है ये टेररिस्ट है तो हम उसको मार देंगे यानी अगर बैक्टीरिया को अपनी चाला पता चल गई कि हमने प्लास्मेट के साथ टारगेट डीएनए को भी भेजा है तो बैक्टीरिया उस टारगेट डीएनए को मार देता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इज दिस क्लियर तो इसका रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा ये सक्से इसकी कोई गारंटी नहीं होती है इसीलिए ट्रां ये मतलब जो अपना रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है ये बहुत 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 डिफिकल्ट होता है इज दिस क्लियर एवरीबडी ओके तो क्लोनिंग वैक्टर क्लोनिंग वैक्टर मतलब हम कौन सा वैक्टर यूज़ करेंगे कौन सा बॉडी गार्ड लेंगे एक्टर का बॉडी गार्ड लेंगे पॉलिटिशियन का बॉडी गार्ड लेंगे क्रिकेटर का बॉडी गार्ड लेंगे किसी आ, अमीर इंसान का बॉडी गार्ड लेंगे कौन सा बॉडी गार्ड लेंगे अलग अलग बॉडी गार्ड होते हैं अपने पास यानी अलग अलग वेक्टर होते हैं वेक्टर को हम वहीकल डी बोलते हैं क्योंकि उसी के थ्रू अपना मेन डी अंदर जाने वाला है तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं ये आपका सीई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सीई का वेरी इंपॉर्टेंट एम है यस yes, एवरीबडी कि कौन से कौन से फैक्टर्स होते हैं सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा फेमस फैक्टर है पहला है प्लास्मिक दूसरा है बैक्टेरियो प्लासमेट के दो एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं तो एग्जाम्पल याद रखोगे पी बी आर थ्री टू टू पी यू सी एंड टी आई प्लासमेट वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी बी आर थ्री टू टू पी यू सी एंड टी आई प्लासमेट पी बी आर मतलब पी मतलब प्लासमेट बी मतलब बॉलीवर और आर मतलब रॉड्रिक्स बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स ये दो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये प्लास्मेट बनाया था और ये उसका स्ट्रेन नंबर है यानी थ्री ट्वेंटी टू पी यू सी मतलब प्लास्मेड कहाँ पे बना था ये प्लासमेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तो यूसी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और टी आई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मेट तो ये तीन अलग टाइप के प्लास्मेट है जो हम यूज़ करते हैं बैक्टेरियो मतलब वायरस कौन सा दो वायरसेस यूज़ कर सकते हैं एम थर्टीन एंड लैमडा वायरस ये एग्जांपल भी आपको लर्न करना है ये तीन एग्जांपल्स भी आपको लर्न करने हैं और इसके अलावा भी और अलग अलग वेक्टर्स होते हैं अपने पास जैसे वाई ए सी बी ए सी एम ए सी एक्सेट्रा बट सबसे ज़्यादा हम बैक्टेरियो फाज और प्लास्मेट ही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं बैक्टेरिया फाज और प्लास्मेट अभी देखो एक अच्छे वेक्टर के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए मतलब आपने जिसका आप जिसके दम पे कंट्री में घुसने वाले हो टेररिस्ट लोग जिसके दम पे कंट्री में घुसने वाले हैं वो खुद के बॉडी का बहुत सारा पहचान होना चाहिए यस yes, एवरीबडी नहीं तो उस बॉडी को ही हम अंदर नहीं लेंगे यस और नो मतलब जिस बॉडीगार्ड के थ्रू टेररिस्ट आने वाला है जिस वेक्टर के थ्रू अपना डीएनए अंदर आने वाला है बैक्टीरिया के अंदर ये जिस वेक्टर के थ्रू अपना डीएनए अंदर आने वाला है इस वेक्टर के पास क्या-क्या क्वालिटी होना चाहिए इस वेक्टर के पास अच्छा सिलेक्शन मार्कर होना चाहिए यानी कि ये अपने टारगेट जीन को सेलेक्ट करे इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यानी कि इसके ऊपर किसी भी केमिकल का असर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बैक्टीरिया को पता चल गया कि मेरे अंदर बाहर का डीएनए आया है तो बैक्टीरिया उसको मारने के लिए केमिकल छोड़ने लगेगा तो हमारे वेक्टर के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना चाहिए यानी ये खुद का कॉपी खुद बना सके इसके पास अच्छा सिलेक्शन मार्कर होना चाहिए जहाँ पे ये अपने टारगेट डीएनए को ज्वाइन कर सके इसके पास ख़ुद का प्रमोटर सीक्वेंस होना चाहिए ताकि ये रेप्लीकेशन ईजी कर सके तो so, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने वेक्टर डी के पास होने चाहिए इज दिस क्लियर एवरीबडी ओके तो क्लासमेट डीएनए के बारे में हमको दिया है क्लासमेट डीएनए के पास क्या होता है देखो ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है मतलब यहाँ से ये खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगा इसको बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है हर एक बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग अलग जीन होती है अलग अलग एंटीबायोटिक होती है तो ई e. कोलाई का जो प्लास्मेट है उसको मारने के लिए हम एम्पीसिलिन यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे जो जीन है इट इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस देखो आर लिखा है इधर आर मतलब रेजिस्टेंस मतलब ये मेरा बैक्टीरिया है अगर इस बैक्टीरिया में मैंने ये वेक्टर डाल दिया तो ये वेक्टर नहीं मरेगा एम्पीसिलिन से भी नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास एम्पीसिल रेजिस्टेंस जीन है और इसके पास अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस है जहाँ पे कट करके आप अपना टारगेट डीएनए डाल सकते हो क्या कर सकते हो कट करके टारगेट डीएनए डाल सकते हो तो ये तो हमने पढ़ा एनिमल्स के लिए ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी हमारे पास अलग अलग वेक्टर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें से एक वैक्टर है टी आई कौन सा एक वैक्टर टी प्लास्मिड जीन क्लोनिंग मैंने पहले ही समझा दिया जीन क्लोनिंग यानी जीन्स की मल्टीपल कॉपी बनाना दैट इज़ पीसीआर रिएक्शन यस ओके हाँ तो प्लास्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स प्लांट्स में कौन सा प्लास्मिड यूज़ करते हैं हम टी आई प्लासमिट यूज़ कर सकते हैं टी आई प्लास्मिट के पास जंपिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं यानी ट्रांसपोजोन ये जीन एक डी एन ए से दूसरे डी एन ए पर ईजीली जंप कर सकते हैं ये जीन किधर से मिलता है हमको ये वेक्टर किधर से मिलता है ये मिलता है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियन से जैसे ये वाला प्लास्मेट हमको ई e. कोलाई से मिलता है वैसे ये वाला प्लास्मेट हमको किधर से मिलता है ये सॉइल बैक्टीरिया कौन सा सॉइल बैक्टीरिया एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस ये बैक्टेरिया सॉइल में होते हैं बेसिकली इस प्लास्मेट की वजह से क्या होता है आपके प्लांट में ना ट्यूमर आता है आपके प्लांट में क्या आता है ट्यूमर ट्यूमर यानी प्लांट के ऊपर गांठ आती है जिसकी वजह से वो प्लांट खराब हो जाता है बट अगर मैं इसका ये ट्यूमर वाला जीन निकाल के इसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन डाल दूँ तो वो जीन मेरा इजीली प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा येस yes, ये देखो ये मेरा प्लास्मिड है इस प्लास्मिड को मैंने सेल में डाला इस सेल को मैंने ग्रो किया और इन सीड से मैंने अलग अलग प्लांट के कॉलोनीज ग्रो की तो मैंने इधर पे जो न्यू जीन डाला है मुझे वो न्यू जीन आगे ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दिया यहाँ पे मुझे न्यू कैरेक्टर दिखाई दिया पहले इस प्लांट में जो कैरेक्टर नहीं था अब वो दिखाई दे रहा है इसका मतलब मेरा रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग टाइप का वेक्टर यूज़ होता है आई रिपीट हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग वेक्टर यूज़ होता है ओके okay? बैक्टीरिया के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है अगर आपने इकोलाइ e. बैक्टीरिया यूज़ किया है तो उसके लिए हम प्लास्मिड वेक्टर यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे प्लास्मिड वेक्टर अगर आप आ, प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में कौन सा वेक्टर यूज़ होता है टी आई प्लास्मिट बैक्टीरिया के लिए फाज भी यूज होता है बैक्टीरिया के लिए फाज वेक्टर भी यूज होता है यानी बैक्टेरियो फाजेस यस और लास्ट में आता है कॉम्पिटेंट होस्ट वट इज कॉम्पिटेंट होस्ट देखो ये आपका बैक्टेरिया है बैक्टेरिया को ही कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं क्योंकि आप जो नया डीएनए कॉम्बिनेशन बना रहे हो ये जो नया डीएनए का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं ये नया डीएनए का कॉम्बिनेशन नेचुरली ग्रो होने के लिए हमको एक ऑर्गेनिज्म लगेगा तो जो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं अपना नया डी एन ए मल्टीप्लाई करने के लिए उस ऑर्गेनिजम को बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं होस्ट मतलब जिसके अंदर अपना नए डी एन ए का हम कॉपी बनाएंगे क्या बनाएंगे कॉपी बनाएंगे इज दिस क्लियर एवरीबडी उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट इसके एग्जाम्पल्स क्या है ये एम सी क्यू में पूछा जाता है मोस्टली हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं ई कोलाय मोस्टली वी यूज ई कोलाय फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बट ई कोलाय अगर नहीं है तो हम बैसिलस हीमोफिलस हेलिकोबैक्टर पायरोली एंड ईकोलाई भी यूज़ कर सकते हैं इज दिस क्लियर एवरीबडी यहाँ तक सबको क्लियर है सब लोग फटाफट -फड़ से थम्स अप दे दो चलो मुझे आधे घंटे में ये चैप्टर खत्म करना है बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है ओके नेक्स्ट नाउ कम्स मेथोडोलॉजी फॉर आर डी टेक्नोलॉजी आप ये पूरा टेक्नोलॉजी कैसे करते हो इसके सेवन स्टेप्स हैं पहला स्टेप है आप डोनर सेल लो मतलब समझो मेरा डीएनए माय डीएनए आप मेरा डीएनए निकालो उसको कट करो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से और उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाओ तो आपको पता चलेगा कौन सा फ्रेगमेंट क्या फंक्शन करता है और इसमें से आप अपना टारगेट डी एन करो ठीक है तो पहला स्टेप है आइसोलेशन पहला स्टेप क्या है आइसोलेशन दूसरा स्टेप है कटिंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओके तो फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेकंड इज एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी एक चीज़ याद रखो आप जिस एंजाइम से आप अपने डीएनए को कट करोगे उसी एंजाइम से आपको वेक्टर कट करना पड़ेगा नहीं तो मालूम पड़ा जैसे सीज़र आती है ना आपको आपने एक पेपर को एग्जैक्ट सीज़र से कट किया और दूसरे पेपर को स्ट्रेट सीज़र से कट किया क्या ये इसके साथ स्टिक होगा ये इसके साथ स्टिक नहीं होगा यस एवरीबडी तो सेम सीज़र यूज़ करना पड़ेगा अगर मैं इधर पे सेम सीज़र यूज़ करूँ तो अब ये एक दूसरे के साथ बराबर स्टिक हो जाएगा यस इंसर्शन इजी हो जाएगा तो पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये मैंने वेक्टर लिया ये मैंने डोनर ऑर्गेनिज्म लिया इसका टारगेट डी लिया अब मैं दोनों को मिक्स करूँगी तो इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ टारगेट डी इन द क्लोनिंग वैक्टर इंसर्शन ऑफ टारगेट डी इन द क्लोनिंग वैक्टर चलो आपने अपने टारगेट डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के साथ मिक्स किया अब इस डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो ये मेरा थर्ड स्टेप था अब मैं इधर पे अपना होस्ट बैक्टीरिया लेके आऊंगी ये मेरा फोर्थ स्टेप है मैं इस होस्ट बैक्टीरिया के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालूंगी तो मेरे फोर्थ स्टेप का नाम क्या है ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सके ठीक है तो अब मेरा बैक्टीरिया क्या करेगा मेरा बैक्टीरिया इस वेक्टर को चेक करेगा कि ये बराबर है ना ये सब अपना ही है ना इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो अगर अपना टारगेट डीएनए पहचान में नहीं आया तो अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर टारगेट डीएनए पहचान में आ गया तो बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको खा जाएगा बट अगर टारगेट डीएनए पहचान में नहीं आया तो ये डीएनए आपके सेल के साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा और फिर दो से चार चार से आठ ऐसे आपको ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपीज़ मिलती जाएगी पर हर बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती इधर देखो बहुत बार क्या होता है आप ट्रांसफॉर्मेशन तो करते हो पर आपको रिजल्ट कैसा मिलता है कुछ सेल्स में आपको अति से ज़्यादा कॉपी मिल जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की और कुछ सेल्स में आपको रिकॉम्बिनेंट डी की कॉपी नहीं मिलती है तो ऐसे में फिर हम सेल्स को चेक करते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है सिर्फ वही वाला सेल कलेक्ट करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको ग्रो करते हैं और फिर उसमें से जो प्रोटीन हमको मिली है जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला है ये फाइनल प्रोडक्ट निकाल के इसको प्योरीफाई करेंगे इसको पैकेज करेंगे और फिर इसको मार्केट में बेच देंगे इज दिस क्लियर एवरीबडी वट आर द स्टेप्स सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल एंड फाइनली एक्सप्रेशन यानी कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट को अब आप मार्केट में बेच दोगे सो so, सबको समझ में आया आर डी एन ए टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं यस yes. यस yes, यस yes. पुराना वाला बैक्टीरिया ही होता है यस ओके ठीक है चलो नेक्स्ट अभी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आता है देखो जो इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो खत्म हो गया अभी पंद्रह बीस मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन हम किधर किधर यूज करते हैं सबसे पहले प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ताकि अच्छा एग्रीकल्चर कर सके फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एनिमल्स की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो ज़्यादा मिल्क ज़्यादा एग ज़्यादा वुल मिलेगा एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी ताकि हम नेचर से फ्यूल बना सके अलगे में से बायो फ्यूल बना सके प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बायो फर्टिलाइज़र बना सके बायो पेस्टिसाइड्स बना सकें जीनोमिक्स हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का जीन स्टडी कर सके कैंसर का स्टडी कैंसर का इलाज निकाल सके और अलग अलग बीमारियों का इलाज निकाल सके इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट हमको बनाना है जो प्रोटीन हमको बनाना है जैसे इंसुलिन उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है आप बायोटेक्नोलॉजी किधर किधर यूज़ करते हो अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको एक एमसीक्यू आता है मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि दो एमसीक्यू इसमें से रिपीट होता है एक मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी uh, की मदद से कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट बना के वो दिया है दिस इज द डिजीज एंड दिस इज द प्रोडक्ट ओके एरिथ्रोपोइटिन बना के हम अनेमिया ठीक कर सकते हैं एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है और एक ये वाला किधर गया इंटरफेरस वाला इंटरल्यूकिन नहीं एक ये फैक्टर एट वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये इंटर ब्लड uh, हाँ ये देखो ये इंटरफेरॉन्स एक ये ये तीन एम ना आ, पिछले दो तीन साल से बार बार रिपीट हो रहा है सी में बोर्ड्स में और नीट में ठीक है अगर आपको याद हो तो आप ये पूरा का पूरा टेबल भी याद करके जा सकते हो मैंने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लाइव लेक्चर परसों ही लिया है खान तूबा जाके देखो ठीक है ओके हाँ तो आपको ये टेबल लर्न करना है कि कौन से प्रोटीन से कौन सी बीमारी ठीक होती है यस yes, ये रिलैक्सिन पार्चुरेशन करने में हेल्प करता है यानी चाइल्ड डिलीवरी करने में हेल्प करता है एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है अभी इधर पे देखो इधर पे आपको क्या बताया गया है सबसे पहला प्रोटीन कौन सा बना था लैब में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन सा बना इट वॉज ह्यूमन इंसुलिन कौन सा था ह्यूमन इंसुलिन जिसका नाम हमने रखा ह्यूमिलिन आपको ये जो पूरा थ्योरी दिया है ना इस थ्योरी को मैंने शॉर्ट में इधर लिखा है ठीक है फ्लो चार्ट बना के तो हमारा जो इंसुलिन है ये एक्चुअली में एक प्रोटीन हार्मोन है और ये नॉर्मल बॉडी में कौन से सेल्स में बनता है हमारे पैनक्रियाज़ के सेल्स में कौन से सेल में पैनक्रियाज में पैनक्रियाज में कौन से सेल है आईलेट ऑफ लिंगर हैंड्स ये आईलाइट ऑफ लैंगर हैंड्स के बीटा सेल से बनता है ये देखो ये अपना पैनक्रियाज है ये अपना पैनक्रियाज है पैनक्रियाज के पास अलग अलग सेल्स होते हैं एक एक्सोक्राइन uh, सेल्स और एक आई ऑफ लैंगर हैंड्स आइलेट ऑफ लैंगर हैंड्स में भी अलग अलग सेल है अल्फा सेल जो ग्लूकोज बनाता है बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है डेल्टा सेल जो स्टोमेटोस्टैटिन बनाता है और पीपी -पी सेल जो एंजाइम बनाता है हमको अगर इंसुलिन बनाना है तो हमको बीटा सेल्स का स्ट्रक्चर चाहिए तो ये देखो तो, 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 तो फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन जो लैब में बनाई गई थी इट वॉज़ ह्यूमिलिन ये एक प्रोटीन हॉर्मोन है जो बीटा सेल से बनती है ये किसने डिस्कवर किया सर एडवर्ड शार्पी शाफर ने एंड हकुरा एट आल ने ठीक है इन्होंने हमको केमिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड गिलबर्ट विलोकोम डिजाइंड इंसुलिन बाय आर डीएनए देखो सर एडवर्ड शार्पी शाफर ने 1916 में बताया कि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से आपका इंसुलिन बनता है हकुरा और बाकी के साइंटिस्ट ने हमको ये बताया कि हम ये सेम डीएनए सीक्वेंस कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में मतलब अपने पास नेचुरली बीटा सेल्स नहीं है अगर तो हम उसको आर्टिफिशियली कैसे बना सकते हैं और फिर गिलबर्ट और विलोकोमोर्स ने ये आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया बट ये जो आर्टिफिशियल इंसुलिन था ये एकदम एक्टिव नहीं था ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में था इस इनएक्टिव फॉर्म को मतलब ये जो प्री प्रो इंसुलिन है इसके ऊपर हमने अलग अलग एंजाइम ट्रीटमेंट दिया तब जाके ये इंसुलिन रेडी हुआ ह्यूमंस के यूज़ के लिए एंड दैट वाज ह्यूमिलिन तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहला प्रोटीन कौन सा बनाया गया था उसका नाम यूमिलिन ये प्रोटीन किधर बनता है बीटा सेल्स में ये किसने बताया एडवर्ड शार्पी ने और इसका केमिकल सिंथेसिस किसने दिया गिलबर्ट विलोकोमोर्फ ने गिलबर्ट एंड विलोकोमोर्फ ने तो ये तीन क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं यस yes? फिर नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन कैसे काम करता है बेटा आपका जो भी पैथोजन है एंटीजन है उसको आप किल करके या वीक करके बॉडी में इंजेक्ट करते हो जब आप इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो अपने बॉडी के जो डब्ल्यू बी सी सेल्स है वो अलर्ट हो जाते हैं कि अरे बापरे बाहर से कुछ तो आया है तो हमारी बॉडी अपने डिफेंस में केमिकल सेक्रेट करना स्टार्ट करती है और हमारी बॉडी जो केमिकल सेक्रेट करती है वो केमिकल्स वैसे का वैसे स्टोर हो जाता है क्योंकि हमने जो पैथोजन अंदर भेजा है बॉडी में ये एक्चुअली डेड पैथोजन है कैसा ये पैथोजन डेड है या इसको हमने पैरालाइज करके भेजा है यानी इनएक्टिव करके भेजा है तो स्टार्टिंग में डब्ल्यू के सेल को नहीं पता चलता कि ये डेड सेल्स है तो डब्ल्यू इसके अगेंस्ट फटाफट से डिफेंसिव केमिकल्स बनाती है पर जब ये केमिकल्स इस डेड बैक्टीरिया को मारने जाते हैं तब पता चलता है अरे ये तो पहले से मरा हुआ है तो आपके केमिकल्स वैसे के वैसे स्टोर हो जाते हैं और ये स्टोर्ड केमिकल्स जब हम नेक्स्ट टाइम अगर सेम रियल में बैथोजन आया तो उस टाइम पे हम ये केमिकल्स उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे मतलब जब रियल बैक्टीरिया आएगा रियल वायरस आएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन यानी आप बॉडी के अंदर पहले ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि अगर तुम्हारे बॉडी में ये बीमारी आई तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे और जिसके वजह से हमारी बॉडी में एडवांस में वो केमिकल बन के रेडी रहता है ताकि सच में जब अगर वो बीमारी आए तो हम उससे फ़ाइट करने के लिए रेडी होने चाहिए येस एवरीबडी ओके अभी इधर वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट्स में भी बनाया जाता है इसको बोलते हैं एडिबल वैक्सीन ये बहुत ही एक नॉवल अप्रोच थी क्योंकि एडिबल वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होती है बच्चों को देने में इजी होती है इसमें खर्चा कम आता है बस इसका एक ये है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे इसीलिए एडिबल वैक्सीन के प्रोडक्शन पे थोड़ा सा रोक लगा दिया गया है यस yes? क्योंकि नॉर्मली अगर आप बच्चों को वैक्सीन देने जाओगे इंजेक्शन दोगे ड्रॉप्स दोगे तो वो नहीं लेते हैं वो रोने लग जाते हैं इसीलिए एडिबल वैक्सीन बनाया गया था बट कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से ये बंद कर दिया गया बट अभी फिर से इसका प्रोडक्शन चालू है यस ओके हाँ तो ओरल वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन ये नाम आपको पता होना चाहिए जो हम मुंह से खाते हैं कौन सा वैक्सीन था वो मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन ये वैक्सीन एक्चुअली में बैसिलस के अगेंस्ट बनाया गया था यस yes, बैसिलस की वजह से जो फ्लू होता था तो उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाया गया था बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने की वजह से ये वैक्सीन का प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो किया गया और इसके सोल्यूशन ढूंढे जा रहे इज दिस क्लियर एग्रीकल्चर में किधर यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग यस एग्रीकल्चर में आप अच्छा प्लांट ग्रो करोगे जिसके सीड्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे फ्लावर्स जल्दी ख़राब नहीं होंगे फ्रूट जल्दी ख़राब नहीं होंगे तो उधर पे बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं जीन थेरेपी मतलब क्या होता है आप अगर कोई बीमारी ठीक कर रहे हो अगर आप या अगर अगर आप जेनेटिक बीमारी कोई ठीक कर रहे हो जीन को रिप्लेस करके उसको चेंज करके या उसको रिपेयर करके तो उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं जीन थेरेपी जीन थेरेपी के अलग अलग यूजेज़ हैं आप डिफेक्टिव जीन्स निकाल के नया जीन डाल सकते हो आप कैंसर के सेल का ग्रोथ रोकने के लिए नया जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो कैंसर सेल्स को वापस से नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जीन थेरेपी यूज़ कर सकते हो तो ऐसे जीन थेरेपी के अलग अलग यूजेज हैं मेडिकल एग्रीकल्चरल यूजेस ठीक है medical, uses, आ, जीन को अगर मुझे बॉडी में डालना है तो कौन से कौन सा मेथड होता है तीन मेथड होता है एक एक्स वीवो एक इन वीवो एक यूज ऑफ वायरो एक्स वीवो मतलब क्या होता है समझो मेरे पूरे बॉडी पार्ट में यहाँ का जीन गड़बड़ है तो मैं यहाँ का सेल बाहर निकालूंगी इसमें अपना नया जीन डालूंगी और फिर इस सेल को वापस बॉडी में डालूंगी दिस इज एक्स वीवो सेल बाहर निकाल के उसके अंदर जीन ऐड करो और फिर उस सेल को वापस बॉडी में डालो और इन विवो मतलब क्या होता है आप जीन को ही डायरेक्ट बॉडी के अंदर डालते हो सेल बाहर निकालने की मगजमारी नहीं डायरेक्ट जीन को अंदर डाल दिया और यूज ऑफ वायरोसोम्स क्या होता है इसमें हम सेल के पास डायरेक्ट जीन को नहीं डालते इसमें हमें वेक्टर के थ्रू अपने जीन को भेजते जिसकी मदद से अपना जीन अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है अभी देखो जर्म थेरेपी जो होती है सॉरी जीन थेरेपी जो होती है जीन थेरेपी ये दो टाइप की होती है एक जर्म लाइन जीन थेरेपी एक सोमेटिक जीन थेरेपी जर्म लाइन जीन थेरेपी मतलब क्या होती है जब आप एम्ब्रियो लेवल पे अपने डिफेक्ट को चेक करते हो देखो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना एमनियोसिंटेसिस करके एक टेक्निक होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फीटस है उसको आगे जाके कौन सा बीमारी होने वाला है कैंसर होने वाला है जॉन्डिस होने वाला है पीलिया होने वाला है क्या होने वाला है हम पहले से पता कर सकते हैं तो अगर एमनियोसिंटेसिस करके मैंने बीमारी पता की और मैंने उस एम्ब्रियो के अंदर अगर ट्रीटमेंट किया तो वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो हेल्दी होगा और वो जो नया जीन मैंने डाला है मैंने जो इसके अंदर न्यू जीन डाला है वो न्यू जीन आगे पास ऑन होगा यानी कि जर्म लाइन जीन थेरेपी में हमको इनहेरिटेंस देखने को मिलता है न्यू जून पास न्यू जीन पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सोमैटिक जीन थेरेपी में ऐसा नहीं होता सोमैटिक जीन थेरेपी में आपका जो डिफेक्टिव एम्ब्रियो है आप इसको बड़े होने देते हो और बड़े होने के बाद पता चलता है कि अरे बापरे आपको तो कुछ बीमारी है तो अभी इस केस में आप यहाँ पे जो न्यू जीन डालोगे वो सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके होने वाले बच्चों के पास कौन सा जीन जाएगा जो ओरिजिनल डिफेक्टिव जीन था क्योंकि सोमेटिक जीन थेरेपी में आप अपने स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर अटैक कर रहे हो आप पूरी बॉडी के सेल्स निकाल के हर एक जीन का रिपेयर कर सकते हो क्या मतलब अपनी बॉडी में अनकाउंटेबल सेल है आपको सारे के सारे सेल निकाल के उसका जीन रिपेयर करना पड़ेगा फिर उसके बाद आपका इनहेरिटेंस होगा तो ये पॉसिबल नहीं है तो सोमैटिक जीन थेरेपी इज टेम्प्ररी मेथड जर्मलाइन जीन थेरेपी इज परमानेंट मेथड क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस होता है और इसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के क्या फायदे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसका जीन स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा चेंज किया अपने फायदे के लिए जिसका एक एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का फायदा क्या होता है बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का फायदा क्या होता है ट्रांसजेनिक करना मतलब आप कोई नया जीन अपने ओरिजिनल प्लांट में ट्रांसफ़र कर रहे हो जिसकी वजह से उस प्लांट में आपको न्यू कैरेक्टर मिल रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पहला फ़ायदा क्या होता है कि हम जो नया प्लांट बना रहे हैं वो हमको इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ हमारा जो कॉटन का प्लांट होता था ना कॉटन का लीव इसके ऊपर ना इंसेक्ट का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता था इंसेक्ट और पेस्ट अपने कॉटन लीफ को फटाक से खराब कर देते थे जिसके वजह से कॉटन का पूरा खेत बर्बाद हो जाता था तो हमने क्या किया हमने एक मैजिक बैक्टीरिया लिया कौन सा मैजिक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेंसिस क्या लिया हमने बैसिलस थ्रंजेंसिस ये बैसिलस थ्रजेंसिस क्या करता है इसका जो स्पोर है इसका जो स्पोर है इसका ह्यूमंस के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता इसका ह्यूमंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इस पोर को जब हम पत्ते के ऊपर छिड़कते हैं तो इस पोर को जब बैक्टीरिया खाता है तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्राई प्रोटीन बनता है मतलब ये स्पोर ने जो क्राई प्रोटीन बनाया है ये क्राई प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर जाता है और अपने बैक्टीरिया का स्टमक का पीएच अल्कलाइन है अल्कलाइन मतलब बेसिक पीएच है तो बेसिक पीएच में ये क्राय प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और ये हमारे बैक्टीरिया के स्टमक के सेल्स को यानी उनके गट के सेल्स को पैरालाइज कर देता है क्या कर देता है पैरालाइज जिसके वजह से अपना इंसेक्ट कुछ खाना पचा ही नहीं पाता इंसेक्ट का खाना पचेगा नहीं तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी जिसके वजह से वो कीड़ा मर जाएगा तो ऐसे करके आपके इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और ये डेथ किसके वजह से हुई बैसिलस फ्रंजिस के वजह से और ये हमने कौन से प्लांट में यूज़ किया कॉटन के प्लांट में यूज़ किया तो ऐसा कॉटन का प्लांट जिसमें हम बैसिलस थुरिंजने से स्प्रे करते हैं उस कॉटन को बोलते हैं बीटी कॉटन क्या बोलते हैं बीटी कॉटन क्योंकि ये हमको इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दिखाता है यानी अगर इनके पास गलती से भी कोई इंसेक्ट आया तो वो बैसेलस थुरंजने से जीन को खा लेगा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी दिस इज वन एडवांटेज ओके सेकेंड एडवांटेज क्या है आप इसी तरीके से किसी फूड में कोई एक्स्ट्रा विटामिन बनाने का जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो दैट इज़ गोल्डन राइस गोल्डन राइस में हम विटामिन ए का डेफिशिएंसी इम्प्रूव कर देते हैं हम इसमें विटामिन ए का कंटेंट बढ़ा देते हैं ठीक है कैसे बढ़ाते हैं हम इसके अंदर ऐसा जीन डालते हैं जो ज़्यादा विटामिन ए बनाए जिसके वजह से आपका राइस गोल्डन कलर का दिखता है प्लस उसको जो भी खाएगा उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशियंसी ख़त्म हो जाएगी अगर विटामिन ए कम होगा तो उसके वजह से क्या होता है आपको रात को नहीं दिखाई देता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है आपका रेटिना वीक हो जाता है येस yes, एवरीबडी और रॉड और कॉन सेल्स नहीं बनते प्रॉपरली ओके okay? फिर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ यानी कि खाने की क्वालिटी इम्प्रूव करना हम खाने की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं खाने में आयरन का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं विटामिन ए का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं गोल्डन राइस बना सकते हैं गोल्डन मस्टर्ड बना सकते हैं विटामिन डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए हम ऐसा वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं जिसमें आयरन की कमी ना हो क्योंकि प्रेगनेंट वुमेन को आयरन की आयरन की कमी बहुत जल्दी होती है तो प्रेग्नेंट वुमन का ध्यान रखने के लिए या ऐसा कंट्री जहाँ पे खाना कम है कम खाने से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले ऐसा खाना ग्रो करना उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन यानी फूड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिय क्वालिटी इंक्रीज़ करना ठीक है आप पोस्ट हार्वेस्ट मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो देखो नॉर्मल टोमेटो के साथ क्या होता है आप जैसे ही इस टमाटो को खेत से तोड़ते हो तो इसके अंदर एक जीन बनता है पॉलीगैलेक्टो यूरिनेस ये पॉलीगैलेक्टो यूरिनेस प्रोटीन क्या करता है अपने टमाटर को अंदर से सड़ाने लग जाता है जिसकी वजह से टमाटर के ऊपर का छिलका वगैरह सब जल्दी से गल जाता है अगर मैं इस जीन को स्टॉप कर दूँ ठीक है अगर मैं इस जीन को स्टॉप कर दूँ ये जीन अगर जल्दी नहीं बना तो उसकी वजह से आपका टमाटर हेल्दी रहेगा ज़्यादा टाइम तक तो ऐसा जो नया टमाटर हमने बनाया ये जो न्यू टमाटो हमने बनाया है जिसके अंदर पीजी जीन नहीं है इस टमाटर को हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटर फ्लेवर सेवर टमाटर मतलब जिसका फ्लेवर बचा रहेगा उसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर फ्लेवर यानी स्वाद सेवर यानी कि सेव करना तो हमने सिर्फ क्या किया हमने इसके अंदर जो पीजी जीन था उस जीन को निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक मेथड ठीक है प्लांट इज बायो फैक्ट्रीज हम प्लांट में ना बहुत कुछ ग्रो करते हैं हम प्लांट से वैक्सीन बनाते हैं हम प्लांट से प्लांट की लकड़ियों को जला के उससे फ्यूल बनाते हैं हम प्लांट से अलग अलग रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं प्लांट्स के अंदर वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर खाना रहता है जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन प्लांट इज बायोफैक्ट्री ओके तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने आपको टेबल दिया है इस टेबल में बेसिकली आपको यही बताया गया है कि कौन से टेक्निक से आपने uh, कौन सा प्लांट बनाया yes, देखो बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंस फ्लेवर सेवर टोमैटो ये उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है गोल्डन राइस विटामिन ए में रिच होता है पोटैटो के पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है ऐसा पोटैटो हम बना सकते हैं कॉर्न और ब्रिंजिल को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं सोयाबीन और मेज़ को हरबी साइड रेजिस्टेंस बना सकते हैं तो इससे ना हमारी लाइफ आसान हो जाएगी क्योंकि हमारे क्रॉप जल्दी सड़ेंगे नहीं नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स अभी अलग अलग एनिमल्स के ऊपर अलग अलग रिसर्च कैरी आउट की जाती है जिसके वजह से आ, हमारी मतलब जो मेडिकल इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर रही है जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च अगर हमको कैंसर के मेडिसिन की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमको चूहे चाहिए तो जिन चूहों के ऊपर हम कैंसर रिसर्च करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक माइस इनके ऊपर हम अलग अलग मेडिसिन और अलग अलग जीन्स इंट्रोड्यूस करके देखते हैं जिसके वजह से चेक करते हैं कि, कि किसका असर हो रहा है किसका असर नहीं हो रहा है तो उससे अपने को पता चलता है कि हमारी दवा ह्यूम्स के लिए कितनी यूजफुल है ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स मतलब पहले जो गाय दस लीटर दूध देती थी अब वो गाय बारह लीटर दूध दे रही है ट्रांसजेनिक की वजह से क्योंकि हमने उसके अंदर जीन चेंज कर दिया तो अपने को मिल्क का क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लग जाता है ओके okay? मिल्क के साथ साथ जो थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स होते हैं थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स यानी कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स वो भी हमको मिलने लग जाते हैं लेकिन इसका टाइम ज़्यादा लगता है इसमें पैसा ज़्यादा लगता है तो ये टेक्निक अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है बट इसके ऊपर काम चल रहा है यस देन चिकन चिकन पहले सिर्फ समझो एक हफ्ते में दस अंडा देती थी अब वो एक हफ्ते में पच्चीस अंडे दे रही है तो अंडे की क्वालिटी बढ़ाना क्वांटिटी बढ़ाना प्लस उसके साथ साथ उसका थेरोप्यूटिक प्रोडक्शन करना बट इसका टेक्नोलॉजी अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं इट इज नॉट येट कम्पलीटेड ओके और भी ऐसे अलग अलग ट्रांसजेनिक कैटल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कॉपीज ऑफ तो बोवाइन बीटा काशन इंटू डेयरी कैटल मतलब रिसर्चर्स ने अपने गाय में आ, एक स्पेशल प्रोटीन डाला जिसके वजह से क्या देखा हमने कि उनके अंदर वो प्रोटीन का क्वांटिटी एकदम से डबल ट्रिपल हो गया ठीक है ट्रांसजेनिक शीप इनके ऊपर अगर हम नया जीन डालेंगे सिस ई -E और सिस एम तो इसके वजह से लाइसिन अमीनो एसिड बनता है जिसके वजह से ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है यानी कि ज़्यादा कैराटीन प्रोटीन बनता है लाइसिन और ज़्यादा कैराटीन प्रोटीन के वजह से इनके ऊपर ज़्यादा वुल की ग्रोथ होती है जिससे अपने को स्वेटर बनाने के लिए ज़्यादा ऊन मिलेगा यस yes, एवरीबडी तो देखो क्वेश्चन प्रिंसिपल से भी आ सकता है और एप्लीकेशन से भी आ सकता है आपको एप्लीकेशन भी पता होने चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए प्रिंसिपल में दो ही टॉपिक है एक पी और एक आपका ये रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी तो आपको दोनों का डायग्राम प्लस दोनों का स्टेप का टाइटल पता होना चाहिए और एप्लीकेशन के लिए आप ये टेबल पढ़ सकते हो देखो एप्लीकेशन के लिए मैं आपको सीधा आपका लाइफ आसान कर रही हूँ एप्लीकेशन के लिए अगर आप ये टेबल पढ़ते हो प्लांट्स में क्या क्या एप्लीकेशन है और एनिमल्स में क्या क्या एप्लीकेशन है तो आपका वैसे भी काम कम हो जाएगा यस एवरीबडी ट्रांसजेनिक शीप ट्रांसजेनिक पिग पिग को हम क्यों यूज़ करते हैं जीरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जैसे कि तो हम जो आपको ह्यूमन में ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है बट ह्यूमन इज़ नॉट अवेलेबल तो टेम्प्ररी हम उस ह्यूमन का हार्ट पिक के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि पिक का बॉडी एनवायरमेंट कंडीशन और ह्यूमन का बॉडी एनवायरमेंट कंडीशन सेम होता है या फिर आप इनके अंदर ऑर्गन हार्वेस्ट कर सकते हो ऑर्गन ग्रो कर सकते हो इनके अंदर स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करके इनके अंदर ह्यूमन्स का ऑर्गन बना सकते हो सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन जहाँ पे हम एनिमल्स की बॉडी यूज करते हैं ह्यूम्स के ऑर्गन बनाने के लिए येस ट्रांसजेनिक फ़िश जो हमको ज़्यादा कैल्शियम ज़्यादा विटामिन दे ट्रांसजेनिक चिकन जो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करें सो दीज आर योर ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ये उनके एप्लीकेशन है माइस में हम क्या करते हैं उनके अंदर हम एम और आर जीन डालते हैं कैंसर रिसर्च करने के लिए होलस्टन गाय पहले हमको 2000 लीटर मिल्क देती थी साल में पर ईयर अब ये गाय हमको 10000 लीटर दूध देती है एक साल में ट्रांसजेनिक चिकन पहले 70 अंडा देती थी अब 250 अंडा देती है ट्रांसजेनिक कैटल ज़्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं ज़्यादा से ज्यादा बीटा केसिन बनाते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं ट्रांसजेनिक शीप में ये नया अमीनो एसिड डाला तो इसके वजह से ज्यादा वुल मिलता है जिसके वजह से ज्यादा स्वेटर बना सकते हैं ट्रांसजेनिक पिक को हम ट्रांस ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक फिश को हम अलग अलग इकोनॉमिक वैल्यू और उसके एडिबल वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं सो दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर आपको सिर्फ एम सी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा लास्ट टॉपिक ऑफ़ द चैप्टर इज़ बायो एथिक्स बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट बायो एथिक्स मतलब क्या होता है अभी ना अभी मेरा रिसेंटली खालसा कॉलेज मुंबई में जो है वहाँ पे एक आ, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था रिकॉम्यून डी एन ए टेक्नोलॉजी के ऊपर तो वहाँ पर ना दो स्टूडेंट्स बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के थे ठीक है हाँ दो, दो स्टूडेंट्स बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के थे उन्होंने उनका ना रिसर्च चल रहा है और वो लोग माइस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं चूहे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं बट बाकी किसी इंस्टीट्यूट में आप लिविंग एनिमल्स के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि ना बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को और आईसीटी कॉलेज को और ऐसे एक दो गवर्नमेंट कॉलेज है जिनको आ, लाइसेंस दिया गया है जो एथिक्स फॉलो करते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं कि आप एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करने से पहले आपको ये ये रूल ये, फॉलो ये करना पड़ेगा तो एथिक्स मतलब क्या होता है जिसमें आप मॉरल ड्यूटी जजमेंट और कंडक्ट यानी कि रूल्स फॉलो करके एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो आप एनिमल्स की बिना सोचे समझे जान नहीं लेते दैट इज़ बायो एथिक्स यानी बिफोर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट यू फॉलो ऑल द रूल्स ओके इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी का एनवायरमेंट के ऊपर हमको क्या असर दिखाई दे रहा है सबसे पहली बात हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस बायोडाइवर्सिटी के वजह से कभी कभी आपके जो हर्ब्स हैं जो यूजफुल हर्ब्स हैं उनकी डेथ हो जाती है या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते टाइम हमको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि इसका नेचर में कुछ भी उल्टा असर नहीं पड़ना चाहिए किसी भी अनटारगेटेड स्पीशीज़ के ऊपर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए नहीं तो मालूम पड़ा बीटी कॉटन के वजह से कोई दूसरा स्पीशीज का पॉपुलेशन ख़त्म हो रहा है बेसिकली वैसेलेस थ्र का काम है इंसेक्ट को मारना बट अगर इसके वजह से बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो गया तो उससे तो नुकसान अपना ही है ना तो अनटारगेटेड अं स्पीशीज के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ह्यूमंस के ऊपर हमको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कभी कभी एलर्जीज ट्रांसफर हो जाती है समझो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रिसर्चर्स ने क्या किया उन्होंने ब्राज़ील का शेंगदाना लिया और उसका जीन उन्होंने सोयाबीन में डाला क्योंकि ब्राज़ील के शेंगदाने में मिथ्योनी अमीनो एसिड बनता है उन्होंने ये जीन सोयाबीन में डाला तो क्या देखा गया कि अभी देखो शेंगदाने की वजह से जिनको एलर्जी थी वो हमने शेंगदाने का जीन निकाल के सोयाबीन में डाला तो बेसिकली सोयाबीन खाने से एलर्जी नहीं होनी चाहिए बट क्या देखने को मिला हमको कि जो लोग ये सेम जीन वाला सोयाबीन खा रहे हैं उनको शेंगदाने वाली एलर्जी देखने को मिल रही है यानी कि नट एलर्जी देखने को मिल रही है तो ये एलर्जीज कभी कभी आगे ट्रांसफर हो जाते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या होता है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अभी तक पाया नहीं गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखने को मिले न्यू प्रोटीन्स के ऊपर काम चल रहा है कि अगर हम जीन कॉम्बिनेशन करके कोई नया प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके तो उससे हमारे ह्यूमंस को क्या फ़ायदा हो जाएगा फूड एडिटिव्स यानी कि हम अलग अलग फ़ूड कलर्स और अलग अलग फूड टेस्ट और फूड क्वालिटी डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं सो दैट इज़ अबाउट फूड एडिटिव्स देखो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हो ना तो उसको ट्राई करने से पहले आपको एक कमिटी की परमिशन लेनी पड़ती है ये क्वेश्चन आया था 2022 में इसका फुल फॉर्म आया था व्हाट इज जी ई ए सी कौन सी कमिटी की परमिशन आपको लेनी पड़ती है यस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इस कमिटी के बिना अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी रिसर्च करते हो या कोई भी दवा ट्राई करते हो या कोई भी चीज टेस्ट करते हो तो इट इज इलीगल इट इज अनएथिकल जिसकी वजह से आपको फाइन और जेल भी हो सकती है येस yes, एवरीबडी नाउ कम्स बायो पेटेंट देखो ये जो लास्ट के तीन टॉपिक है बायो एथिक्स बायो पेटेंट एंड बायो पायरसी इसके ऊपर आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके ऊपर दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पी सी आर और आर डी एन ए टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जैन रिकोगशन सिक्वेंस का एग्जाम्पल वगैरह पूछेंगे और एप्लीकेशन के ऊपर आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशंस प्लांट एप्लीकेशन और एनिमल एप्लीकेशन के ऊपर आपको दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ओके तो बायो एथिक्स मतलब रूल फॉलो करना बायो पेटेंट पेटेंट मतलब क्या होता है लाइसेंस देना आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिलता है पेटेंट तीन टाइप का होता है एक जब आप इन्वेंटर के साथ कोई अग्रीमेंट बनाते हो दूसरा जब आप उसके सब्जेक्ट के साथ कोई अग्रीमेंट करते हो तीसरा मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि मैं इससे दवा बना सकती हूँ तो उसका पेटेंट मुझे मिल जाएगा यानी कि कोई भी टॉपिक आगे काम करने से पहले कोई और मेरे टॉपिक को चुरा ना ले उसका हम क्लेम कर सकते हैं तो पेटेंट मतलब बेसिकली क्या होता है पेटेंट मतलब क्या होता है लाइसेंस बनाना इंडिया में पेटेंट्स दो टाइप के होते हैं एक प्रोसेस पेटेंट एक प्रोडक्ट पेटेंट बट इंडिया में ना हम ज्यादातर प्रोसेस पेटेंट देते हैं प्रोडक्ट पेटेंट अपने को नहीं मिलता जैसे कि समझो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ वीको टर्मरिक वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम ये एड्स सबने देखा है हील मुहासों को जड़ से मिटाए हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम वीको अरे वाह मेरे को पूरा ऐड याद है ओके तो बेसिकली ये जो क्रीम है ये हमने हल्दी से बनाई है ठीक है अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट ये क्रीम है ठीक है अभी आप अलग अलग प्रोसेस यूज करके बनाओगे देखो प्रोडक्ट है ना चार साइंटिस्ट का प्रोडक्ट सेम हो सकता है लेकिन सबका प्रोसेस अलग होगा इसने एक मेथड यूज़ किया इसने दूसरा मेथड यूज़ किया इसने तीसरा मेथड यूज़ किया तो इंडिया में हम ना प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं देते इंडिया में हम क्या देते हैं प्रोसेस का पेटेंट देते हैं आपने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया और फिर आपके प्रोसेस को कोई चोरी नहीं कर सकता और ये पेटेंट कितने टाइम तक एलिजिबल रहता है इट इज़ फॉर फाइव इयर्स अगर जिस जिस टाइम पे आपको ग्रांट मिला तब से काउंट करेंगे तो फाइव इयर्स और जब आपने रजिस्टर किया अगर तब से काउंट करेंगे तो सेवन इयर्स तक का आपका ये पेटेंट एलिजिबल रहता है यस yes. इंडिया में सबसे पहले पेटेंट कौन सा बनाया गया था सूडोमोनास बैक्टीरिया के ऊपर जो ऑयल स्पिल को क्लियर करता है ऑयल स्पिल मतलब क्या होता है पानी जो पानी के ऊपर ऑयल रहता है वो ऑयल को खाने वाला बैक्टीरिया यस yes? ओके okay? तो so, क्रूडोमोनास बैक्टीरिया वॉज द फर्स्ट बैक्टीरिया जिसने जिसके ऊपर हमने पेटेंट रजिस्टर किया था विच वॉज यूज टू क्लियर ऑयल स्पिल्स तो ऐसे अलग अलग किसने किया था ये पेटेंट पेटेंट अंडर टाइटल कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन वॉज जॉइंट इशूड जॉइंटली टू डेल्टा एंड प्लाइनलैंड कंपनी इस कंपनी को यह पेटेंट मिला था एंड यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पेटेंट करने के लिए आपके पास आपका प्रूफ होना चाहिए कि ये प्रोसेस आपका है ये प्रोडक्ट आपने बनाया है कैसे बनाया है एट्सेट्रा एट्सेट्रा यस हम्म बायो पायरेसी मतलब क्या होता है ये तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है पायरेसी मूवी देखते हैं हम सब लोग पायरेसी यानी चोरी किया हुआ मूवी यस yes, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती कभी तो कभी आपने टारजन द वंडर कार मूवर मूवी देखी है उसमें क्या बताया है कि कभी कभी आपके खुद के फ्रेंड्स आपके प्रोसेस को आपके प्रोडक्ट को आपसे चोरी कर सकते हैं तो बायो पायरेसी में क्या होता है हम किसी और का पेटेंट उसको बिना पूछे बिना देखे यूज करते हैं और उसको उसका पैसा भी नहीं देते दैट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी ठीक है तो बायोपायरेसी के हमको इधर पे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए सबसे पहला बायो पायरेसी कौन सा हमने देखा था नीम का हमारी कंट्री ना एक नंबर की आलसी कंट्री है हमारे हाथ से जब सब कुछ चला जाता है तब हम जागते हैं कि अरे बाप रे मेरा मेरा प्रोडक्ट चोरी हो गया मेरा प्रोसेस चोरी हो गया हमको उसके पहले कुछ समझ में नहीं आता हमारे हाथ से चीज़ें जाने के बाद हमारी अंदर की आत्मा जागती है यस yes? ओके okay. हाँ तो पेटेंटिंग ऑफ नीम आज़ादी रखता इंडिका ये पेटेंट ना हमसे चुरा लिया गया था यूएसडीए और अमेरिका के एमएनसी कंपनी डब्ल्यू आर ग्रेस इन्होंने हमसे ये पेटेंट चुरा लिया था और इन्होंने ईपीओ ऑफिस यानी यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जाके ये पेटेंट फाइल किया कि नीम का जो ऑयल है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी दिखाता है ठीक है लेकिन नीम तो इंडिया का प्रोडक्ट है तो ये पेटेंट यूएस वाले कैसे लेके जा सकते हैं तो जब हमको पता चला कि उन्होंने हमसे ये पेटेंट चुराया है तो तब हमने केस फाइल किया तब तो हमने सालों साल रगड़े फिर जाके हमको हमारा ये पेटेंट वापस मिला सेम हमारे साथ बासमती राइस के साथ भी हुआ तो आपको याद क्या क्या रखना है इस टॉपिक में से पेटेंट किसका चुराया किसने चुराया और कौन से साल में चुराया ठीक है बासमती का पेटेंट हमसे किसने चुराया नाइनटीन में यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इन्होंने टेक्सस की एक राइस कंपनी को यह पेटेंट दिया और क्योंकि टेक्सस की जो कंपनी थी राइस टेक एंड ये लोग इंडिया आए इन लोगों ने इंडिया से आके पंजाब से बासमती राइस चुराया और उस राइस का नाम रख दिया टेक्समती ठीक है मतलब टेक्सस के थे इसीलिए टेक्समती और उन्होंने क्या बोला कि ये राइस क्वालिटी हमने ग्रो की है हाँ क्योंकि बासमती राइस का क्वालिटी क्या है उसकी खुशबू अच्छी होती है उसके दाने लंबे लंबे होते हैं जिसके वजह से वो चावल अच्छा लगता है खाने में तो इस पेटेंट को हमने वापस से केस किया और फिर ये पेटेंट कब कैंसिल हुआ 2001 में मतलब देखो हमारे हाथ से चीज़ें जाने के बाद हमको समझ में आती है यस yes? ठीक है फिर हल्दी हल्दी का भी पेटेंट हमसे चुरा लिया गया था देखो हाँ कितने स्मार्ट रिसर्चर हैं दो साइंटिस्ट थे इंडिया के थे वो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में जाके पढ़ाई कर रहे थे मतलब पैदा इंडिया में हुए थे बट उधर पे जाके स्टडी कर रहे थे उन्होंने हल्दी के बेनिफिट्स का पेटेंट अपने नाम पे बनाया ठीक है 1995 में तो बाद में जो सी एस आई आ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन्होंने इनको जब पता चला कि अरे हल्दी का पेटेंट भी अपने हाथ से चला गया तो इन्होंने रीक्लेम किया इन्होंने क्या किया इन्होंने रीक्लेम किया कि ये मेरा पेटेंट है ये हमारे कंट्री का पेटेंट है ये इंडिया का पेटेंट है तो हमने रीक्लेम किया फिर फाइट किया फिर अप्रोच किया फिर मोर्चा निकाला और फिर जाके हमको हमारा पेटेंट वापस मिला हल्दी के ऊपर तो ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है तुमको बायो पेटेंट बायो पायरेसी बायो एथिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है कल को आगे जाके आप लोग साइंटिस्ट बनोगे आप लोग रिसर्च करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बचा के रखनी है आपको अपने पेटेंट की इन्फॉर्मेशन बचा के रखनी है नहीं तो कोई भी आपके प्रोसेस को आपके प्रोडक्ट को चोरी कर सकता है चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे वो आपका रिश्तेदार हो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैट यू नो ऑल दिस यस चलो सो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल आज एम सी क्यू नहीं है इसमें एम सी क्यू लाइन नहीं लाई मैं लाना भूल गए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो आज शाम को आपका फिजिक्स का लाइव लेक्चर है आज शाम को फिजिक्स चैप्टर टू का पार्ट टू वाला वन शॉट होगा चैप्टर टू का पार्ट टू वन शॉट लेक्चर है तो सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो पाँच बजे आपका लाइव लेक्चर होगा उसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी यू कैन ऑल्सो फॉलोअर्स ऑन अवर नीट चैनल ज्ञान लैब एन शाम को पाँच बजे रेडी रहना आज शाम पाँच बजे सब लोग रेडी रहेंगे इज दिस क्लियर एवरीबडी एंड अगर आपको बोर हो जाए तो आप बीच बीच में हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी विजिट कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो ये हमारा लाइव बफरिंग ब्लॉगिंग चैनल है एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को मैं चैप्टर नंबर फाइव लेकर आ रही हूँ फ्राइडे को बायो का चैप्टर नंबर फाइव करेंगे जिसका डिलीटेड पार्ट भी हम कवर कर लेंगे तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आर चैनल ज्ञान लैब बेल आइकन पे क्लिक करके रखो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चैनल को शेयर करो वीडियो को लाइक like करो और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से पढ़ाई करो आई एल सी यू वेरी सून बाय बाय एवरीबडी और भी कुछ होगा तो आप कमेंट करके रख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें सो ऑल द बेस्ट बाय बाय टेक केयर थैंक यू सी यू सून